हेलो। तो बच्चों, आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। एंड द टॉपिक दैट विल गोइंग टू कवर टुडे इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। देखिए, अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को देखूं, उस चैप्टर में दो ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिससे हर साल एग्जाम आता है। वो है फर्स्ट पार्ट जो मैं आज कवर करूंगी, दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एंड द नेक्स्ट पार्ट दैट विल गोइंग टू टेक अप लेटर ऑन इन दिस चैप्टर, एंड दैट वुड बी द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन एंड द रेडियल वेव फंक्शन, है ना। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला, दैट हैज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि एटॉमिक स्पेक्ट्रा से ही सारे क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर से हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा को। सो लेट्स टॉक अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रा। देखिए, सबसे पहले एक चीज हम लोग समझ ले, स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा का मतलब क्या होता है। स्पेक्ट्रम या जो हम ये वर्ड बोल रहे हैं स्पेक्ट्रा, इसका क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इसका क्या मतलब है। एक्चुअली क्या होता है, स्पेक्ट्रम का बेसिकली मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द लाइट्स इन द डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसमें जितने भी लाइट्स प्रेजेंट है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स की, उनका एक तरीके से मैं बोलूँ अरेंजमेंट इन ईदर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और ईदर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। तो आप बोलते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल स्पेक्ट्रम, दिस स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का बेसिकली मतलब होता है एक तरीके का अरेंजमेंट ऑफ द लाइट्स हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो आप उनको आप किस तरीके से अरेंज कर रहे हो। ठीक है, हम जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, पहले मैं आप लोगों को डिस्कस करती हूँ कि एक्सपेरिमेंटली हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स क्या किए गए, और उसके बाद उनके लिए हमने उन एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव करने के लिए क्या क्या थ्योरीज दी। तो बेसिकली क्या हुआ, जब हम लोग जो है साइंटिस्ट लोग जो है एटम का स्ट्रक्चर देखने की कोशिश कर रहे थे, एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे होगा, बिकॉज नोबडी हैज सीन एटम। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट जो है अपनी अपनी थ्योरीज दे रहे हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में हम लोग चल रहे हैं, तो सबसे पहले जो रदरफोर्ड अपना मॉडल दे रहा है, बोहर अपना मॉडल दे रहा है, हर मॉडल का कोई ना कोई एडवांटेज है, कोई ना कोई डिसएडवांटेज है, किसी को श्योरिटी से पता नहीं है कि मेरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आप लोगों को बताऊं कि जब रदरफोर्ड का मॉडल एक्चुअली में कॉन्ट्रडिक्ट हो गया था कि भाई रदरफोर्ड का मॉडल ठीक नहीं है, ठीक है, ये सबको पता चल गया था, तो उसका मॉडल कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला था कौन, उसका मॉडल कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला था बोहर। अब बोहर ने अपनी प्रिपरेशन, ताकि वो अपना मॉडल ऑफ एटम जस्टिफाई कर सके और उसका मॉडल ऑफ एटम रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम से काफी बेहतर हो सके, उसने बैकग्राउंड में काफी एक्सपेरिमेंट्स करे थे जो उसके मॉडल को जस्टिफाई कर सके, या फिर मैं एक तरीके से बोलूं उसके मॉडल की प्रायोरिटी बढ़ा दे कि उसका मॉडल ज्यादा अच्छा है ना। तो होता नहीं ऐसे, जैसे हम लोग अगर किसी कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, मुझे अपना एक प्रोजेक्ट देना है, किसी बंदे ने भी अपना प्रोजेक्ट देना है, तो मैं बैकग्राउंड में एनालिसिस करके रखूंगी कि भैया तेरे प्रोजेक्ट में क्या मैं कमियां निकाल सकती हूँ ताकि मेरा प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल माना जाए। एग्जैक्टली यही सिनेरियो चल रहा था। तो बोहर अपना मॉडल देने से पहले कि अपना मॉडल वर्ल्ड को बताए कि मेरे हिसाब से एटम ये होता है, उसने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे लैब में, और वो एक्सपेरिमेंट्स थे रिगार्डिंग द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये केमिस्ट्री के लिए एक तरीके से आप बोल सकते हैं ब्रेक थ्रू था केमिस्ट्री का, जिससे हमें बहुत सारी चीजें जो है पता चली। इनफैक्ट ये अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, ये एक बहुत एक तरीके से मैं कह सकती हूँ लेमन लैंग्वेज में मैं आपसे डिस्कस करूंगी, इसकी वाइड टेक्नोलॉजी जो आजकल यूज होती है, दैट इज इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आजकल पूरा वर्ल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी पे डिपेंड है। आपको कैंसर की डिटेक्शन करनी है, आप स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हो। आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताना है, आप स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हो। आपको कुछ भी पता करना है केमिस्ट्री में, आप स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। एंड दैट स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली कम्स फ्रॉम द स्पेक्ट्रम थिंग। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है एक फाउंडेशन है स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। ठीक है, तो एनीवेज हम लोग जो है अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा को जो है शुरू करते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में सबसे पहले क्या एक्सपेरिमेंट किया गया और उससे ऑब्जर्वेशन जो निकली उसको कैसे समझाया गया। तो एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, हमने एक बल्ब लिया विच इज द सोर्स ऑफ वाइट लाइट। दिस बल्ब इज अ सोर्स ऑफ बेटा वाइट लाइट। तो वाइट लाइट जितनी भी बल्ब से निकल रही है, इस सारी वाइट लाइट को हमने क्या किया, एक प्रिज्म से पास किया। प्रिज्म से जो भी व्हाइट लाइट मिली, क्योंकि सारी व्हाइट लाइट में जो भी आपकी वेवलेंथ है, विबगे और इंडिगो, जो भी कलर्स की वेवलेंथ है, उन सब की वेवलेंथ डिफरेंट होती है। तो जब वो प्रिज्म से पास होंगी तो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट डिफरेंट एंगल में क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी, और जो भी यहाँ से कलर निकल रहा है उसको हमने यहाँ रिकॉर्ड किया। तो हमें यहाँ विबगे नजर आया, VIBGYOR। ये जो चीज आपको मिली है ना कि अरेंजमेंट ऑफ लाइट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स इज व्हाट अ स्पेक्ट्रम इज, राइट।
तो यहाँ पर हमने ये देखा कि हमारा वॉयलेट कलर की लाइट यहाँ आई, जैसे वॉयलेट कलर की लाइट खत्म हुई वैसे इंडिगो की शुरू होगी, जैसे इंडिगो खत्म हुई वैसे ब्लू शुरू होगी, ब्लू खत्म होते ग्रीन, ग्रीन खत्म होते येलो, मतलब इस तरीके से हमें जो है सेवन कलर्स जो कि व्हाइट लाइट के अंदर प्रेजेंट होता है, सेवन कलर की वेवलेंथ ऑफ लाइट हमने यहाँ रिकॉर्ड कर ली, राइट। लेकिन यहाँ पे ना किसी भी कलर, जैसे एक कलर की लाइट अगर खत्म हो रही है, उसकी इंटेंसिटी कम हो रही है, तो दूसरी कलर की लाइट वहीं से जो है स्टार्ट हो रही है, राइट। इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं बेटा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, वी कॉल इट एज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। फिर हमने कहा चलो अब कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आ गए, इससे मुझे प्रूव हो गया द सोर्स ऑफ द व्हाइट लाइट दैट आई हैव टेकन इज कंटेनिंग ऑल द सेवन कलर्स, राइट। अब मैंने क्या किया, यही बल्ब लिया जो व्हाइट लाइट का है, बट इसे प्रिज्म से पास करने से पहले मैंने एक सैंपल ऑफ कोल्ड गैस से पास किया, सैंपल ऑफ कोल्ड गैस से पास किया, और फिर यहां से जो भी लाइट निकली उसको मैंने प्रिज्म से पास किया, और फिर से मैंने अपना रूटीन काम किया और स्पेक्ट्रा जो है ऑब्जर्व किया। बट अब जब मैंने स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किया तो मुझे इसमें कुछ ब्लैक लाइंस निकली और कुछ वेवलेंथ ऑफ लाइट गायब दिखी। मैं अज्यूम कर लेती हूं कि मेरे इंडिगो लाइट, येलो लाइट, रेड लाइट जो है गायब हो गई, ठीक है। उनकी जगह फिर मुझे वो लाइट की ना दिखे, कलर ना दिखे, इनफैक्ट ब्लैक लाइंस दिखी। तो हुआ क्या, मुझे वॉयलेट दिखा लेकिन उसके बाद ब्लैक लाइन दिखी कि यहां पर कोई वेवलेंथ ऑफ लाइट नहीं, क्यों, क्योंकि इंडिगो गायब हो गई थी। फिर ब्लू आया, फिर ग्रीन आया, फिर येलो की जगह जो है फिर से ब्लैक लाइन दिखी क्योंकि येलो वाली जो है गायब हो गई थी। फिर ऑरेंज आया और फिर रेड की जगह फिर से मुझे क्या दिखा बेटा, ब्लैक लाइन दिखा, ठीक है। इस तरीके से मेरा जो है स्पेक्ट्रम जो है मैंने ऑब्जर्व किया। अब ये जो स्पेक्ट्रम मुझे मिला है, सबसे पहली चीज आप देख सकते हैं इसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं है, एक वेवलेंथ ऑफ लाइट खत्म हो रही है और जो दूसरी जहां से शुरू हो रही है उसके बीच में क्या है, एक ब्लैक लाइन है ना, मतलब दिस पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मिसिंग, दिस पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मिसिंग, दिस पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मिसिंग। सबसे पहली चीज हम लोग इसे बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, ठीक है। चलो इसका मतलब यहां पे कुछ कोल्ड गैस डालने से हुआ है कि ये वेवलेंथ जो है मुझे दिख नहीं रही है। तो ऑब्वियसली इसका क्या मतलब है कि ये जो कोल्ड गैस का सैंपल है, ये जब व्हाइट लाइट इसके ऊपर पास हो रही है तो ये व्हाइट लाइट के अंदर कुछ वेवलेंथ ऑफ लाइट्स को क्या कर रहा है बेटा, एब्जॉर्ब कर रहा है, उन्हें प्रिज्म तक पहुंचने नहीं दे रहा, ठीक है, तभी तो वो मुझे यहां नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये कोल्ड गैस कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को अब्सॉर्ब कर रहा है, उन वेवलेंथ ऑफ लाइट को अब्सॉर्ब कर रहा है जो मुझे यहाँ स्पेक्ट्रम में नजर नहीं आ रही। कौन सी, इमेजिन करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंडिगो माना, मैंने येलो माना और रेड माना, तो इन पर्टिकुलर तीन वेवलेंथ ऑफ लाइट को इस कोल्ड गैस ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया है। दैट्स व्हाई गॉट अ डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, और इस ऑब्जर्वेशन को हमने एक और नाम दिया, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये बात क्लियर हुई, हमने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब ये कोल्ड गैस ने क्या करा होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया होगा, ठीक है। फिर मैंने यहां पे सैंपल ऑफ हॉट गैस लिया और डायरेक्ट उससे जो भी लाइट निकल रही है उसको प्रिज्म से पास किया और उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, और मुझे ये पता चला कि यहाँ पे जो लाइट की वेवलेंथ मिसिंग थी, इंडिगो मिसिंग थी, तो मुझे सिर्फ इंडिगो की ही लाइट कलर दिख रहा है, बाकी मुझे और कलर कुछ नहीं दिख रहा है, ये सब ब्लैक हो गया। फिर ब्लू और ग्रीन नहीं दिख रहे, इनफैक्ट जो मिसिंग थी येलो, सिर्फ येलो वाली वेवलेंथ दिख रही है, बाकी सब ये ब्लैक हो गया। इनफैक्ट जो ऑरेंज थी वो मुझे नहीं दिख रही, सिर्फ रेड ही मुझे नजर आ रही है, बाकी सब ये क्या हो गया, ब्लैक हो गया। तो इस तरीके से यहां पर उल्टा हो गया, यहां पे जो वेवलेंथ ऑफ लाइट मिसिंग थी यहां पे वही वेवलेंथ ऑफ लाइट, सिर्फ वही वेवलेंथ ऑफ लाइट हमें दिख रही है। ये भी एक तरीके का डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा है, बट इस स्पेक्ट्रा को हम लोगों ने नाम दिया है एमिशन स्पेक्ट्रा। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क यह है कि अगर आप जो भी लाइट व्हाइट लाइट के सोर्स से आ रही है उसके और प्रिज्म के पाथ के बीच में कोई एब्जॉर्बिंग सैंपल रख दो, मतलब जो कैपेसिटी रखता है वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने की, सम स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने की, तो वो उन पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और साथ में हाँ जो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा वो मुझे यहां दिख जाएंगी, ठीक है।
है। अब एक्चुअली में ये जो गैस हमने यहाँ लिया बेटा, दोनों गैसेस सेम है, दोनों का नेचर सेम है, बस फर्क ये है कि ये जो कोल्ड गैस थी, मतलब ये लोअर टेम्परेचर की गैस थी, ये यही गैस हमने हाई टेम्परेचर पे ली। अब ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा इसलिए किया बेटा कि यहाँ पर इस ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ ना, ये तो एक्सपेरिमेंट हुआ, इसको बोहर ने अपने मॉडल के थ्रू एक्चुअली प्रूफ करना था, और ये एक्सपेरिमेंट हुआ बेटा। एक्सपेरिमेंट्स गलत नहीं होते हमेशा, केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करके ही जो है ना थ्योरी बनाई जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ, ऑब्जर्व हुआ, अब इसके पीछे साइंटिस्टों ने थ्योरी निकालनी है। तो बोहर को अगर अपना मॉडल जस्टिफाई करना था तो उसका मॉडल ऐसा होना चाहिए था जो इस वाली थ्योरी के लिए एप्ट हो, इस थ्योरी को एक्सप्लेन कर सके। तो बोहर ने कहा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है मैं समझाता हूँ। मैंने यहाँ जो भी गैस ली है उस गैस के अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होंगे, बिकॉज बोहर ने यही हम लोगों को समझाया था कि जैसे हाइड्रोजन एटम है उसके अंदर वी हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल्स लाइक दिस, और वहां पे जब आप उन गैस के जो एटम्स है उनके अंदर ऑफ कोर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो लेट्स से दिस इज वन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज प्रेजेंट इन द सैंपल। तो जब इस पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हाइट लाइट को मार रहे हैं, तो व्हाइट लाइट के अंदर से बहुत सारी एनर्जीज आ रही है करस्पॉन्डिंग टू यू नो वॉयलेट लाइट, सारी लाइट्स की करस्पॉन्डिंगली एक एनर्जी आ रही है। कुछ एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करके क्या कर रहा है, हायर एनर्जी लेवल पे ट्रांजिशन कर रहा है। तो जब ये हाई एनर्जी लेवल पे ट्रांजिशन कर रहा है तो उस केस में इसने कुछ वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, और वही वेवलेंथ ऑफ लाइट मुझे यहां नहीं नजर आ रही है, ठीक है। अब क्योंकि ये सैंपल जब एब्जॉर्ब करेगा लाइट को तो कहीं ना कहीं एक तरीके से मैं बोलूंगी उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए। अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है तो दो तरीके है, एक या तो लाइट को स्ट्राइक करके उसे एक्साइट कर दो, और दूसरा है टेम्परेचर बढ़ा के एक्साइट कर दो। क्यों? क्योंकि दोनों केसेस में आप करके आ रहे हो, आप दोनों केसेस में इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, आपको इसको एनर्जी देनी है। तो मैंने इस केस में जो इस गैस के एटम्स है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें एनर्जी दी बाय स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब मैंने उसी गैस के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट किया बाय इंक्रीजिंग दैट टेम्परेचर। तो यहां पर एक तरीके से मैं बोल सकती हूं कि ये वाला सैंपल ऑलरेडी एक एक्साइटेड सैंपल है, ठीक। तो जैसे ये एक्साइटेड सैंपल है वो मैंने लिया, और यहां से इस वाले चीज से मुझे समझ आ रहा है कि जब एक्साइट हो गया उसके बाद ये नीचे आ रहा है, और जब वो नीचे आ रहा है तो वो फिर से लाइट जो है वो एमिट कर रहा है, और वही लाइट एमिट कर रहा है जो मुझे यहां दिख रही है। समझ आई बात? तो हमने क्या किया, मतलब हमने क्या, बोहर ने क्या किया, इस चीज को समझाया ऐसे कि हम जो गैस यहां ले रहे हैं ये गैस फिलहाल यहां पे एक एब्जॉर्बिंग सैंपल का काम कर रही है, एब्जॉर्बिंग सैंपल का काम कर रही है। जब एब्जॉर्ब सैंपल को से लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगी तो वो क्या करेगी, एक्साइट हो जाएगी, अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देगी हाई एनर्जी लेवल पे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ने उस लाइट से एनर्जी गेन कर ली एंड दे हैव अंडरगो अ ट्रांजिशन। तो जिस वेवलेंथ ऑफ लाइट को इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब कर लिया वो वेवलेंथ ऑफ लाइट मुझे यहां नजर नहीं आएंगी, ठीक है। फिर मैंने वही नेचर ऑफ गैस लिया, टेम्परेचर ऐसा सेट किया कि मैं उनको वही इलेक्ट्रॉन्स को फिर से क्या कर सकूं, एक्साइट कर सकूं। और जब मैंने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया और उससे स्पेक्ट्रा निकाला तो आश्चर्यजनक बात यह थी कि यहां पे जो वेवलेंथ ऑफ लाइट मिस हुई मुझे यहां वही वेवलेंथ ऑफ लाइट दिखी, ठीक है। तो इस तरीके में से उसने अपने मॉडल को जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो ये था हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा का मॉडल। अब इसके पीछे थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस तो यही है हमारे सामने, थ्योरेटिकल हमने उसे कैसे समझाया। तो बोहर ने कहा, बोहर ने एक्सप्लेन किया, बोहर्स एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात करूं तो बोहर ने ये समझाया कि आप सपोज लेट्स एज्यूम कि मैंने हाइड्रोजन गैस ली है, तो हाइड्रोजन गैस के अंदर हाइड्रोजन एटम्स होंगे और हाइड्रोजन एटम्स के अंदर मेरे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो दिस इज वन इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट है। तो जब लाइट इस पे स्ट्राइक होगी, इलेक्ट्रॉन लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ट्रांजिशन कर लेगा हायर एनर्जी लेवल की तरफ, वो जो है जंप कर जाएगा। बट ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे स्टेबल नहीं होगा, तो जंप करने के बाद वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट पर जो है आ जाएगा। तो जब वो एक्साइट होगा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे दिस एक्साइटेशन प्रोसेस इज हैपन बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एक्साइटेशन। और एक्साइट होने के बाद जब वो वापस नीचे आएगा तो वो क्या करेगा, एमिशन करेगा एनर्जी का, एमिशन ऑफ लाइट होगा, लाइट का वो है बेसिकली एमिशन करेगा, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डी एक्साइटेशन।
और उसने ये समझाया कि यहां से जब आप एब्जॉर्प्शन वाले स्पेक्ट्रा को मेजर करोगे कि मतलब कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हुई है, तो जब आप इस पर्टिकुलर एक्साइटेशन के प्रोसेस को मेजर करोगे तो आपके पास एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आएगा, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में आपके पास ब्लैक लाइंस आएंगी करस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब हुई हैं। और अगर आप एमिशन वाले को मेजर करोगे तो आप इसे बोलोगे एमिशन स्पेक्ट्रा, और जब आप इसे मेजर करोगे तो आपके ब्लैक लाइन नहीं आएंगी, स्पेसिफिक कलर्ड लाइंस ही आएंगी। तो यहां पर आपके पास स्पेसिफिक कलर्ड लाइंस ऑब्जर्व होंगी, बाकी सारी चीजें क्या होंगी, ब्लैक होंगी। और एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एक दूसरे का क्या होगा, ऑपोजिट। यहां जहां पर जिस वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लैक लाइन आई, यहां पर वही वेवलेंथ की लाइट मुझे नजर आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो रहा है उतनी ही एनर्जी एमिट कर रहा है जब वो डी एक्साइट हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट होता है उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब एमिट करके वो डी एक्साइट होता है। यहां तक आपको बात समझ आ गई? तो अभी मैंने आपको बहुत बेसिक चीजों को समझाया कि हम लोग इस तरीके से जो है देखते हैं, बट जनरली हम लोग जो है एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा में से प्रेफरेंस देते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा को, क्योंकि एमिशन स्पेक्ट्रा जो निकालना होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एमिशन स्पेक्ट्रा ज्यादा एक्यूरेट है। अब ऐसा क्यों है, इसको समझाने का एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं। अगर आपके पेरेंट्स को ये चेक करना है कि मेरा बच्चा कितना खर्चीला है, मेरा बच्चा कितना पैसे खर्च कर रहा है, उसका एक्सपेंडिचर क्या है, और उन्होंने ये बांध रखा है कि मैं हर महीने जो है तुम्हें 100 रुपए दूंगा या हर दिन मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, समवॉट लाइक दिस, कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो अब या तो वो इस चीज का ट्रैक रखें कि मैं हर महीने बच्चे को 100 रुपए दे रहा हूँ, 12 महीने मैंने 1200 रुपए दिए, तो वो 1200 रुपए पूरे, मतलब आपने एज्यूम कर ले कि वो पूरे पूरे खर्च कर देता है, तो आपने एक तो इस चीज का ट्रैक रखा, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और अगर आपको ये पता करना है कि मतलब बेसिकली ये खर्च कितना कर रहा है, तो रादर देन इस चीज का चेक करूं कि आप उसे कितने पैसे दे रहे हो, आप इस चीज का चेक ना करो कि वो एग्जैक्टली खर्च कितने कर रहा है, उसके यूज कितने हो सकता है वो कुछ यूज ना करता हो, 100 रुपए में से 50 ही खर्च करता हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि 100 रुपए किसी और से मांग के 200 रुपए खर्च करता हो, है ना। तो अगर आपको ये चेक करना है कि कौन सा आपका बच्चा कितना खर्चीला है, तो उसके खर्चे पे नजर रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन आप उसे जो अमाउंट दे रहे हो उस पर नजर रखना। सेम चीज यहां पर है, हालांकि इस केस में जो इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी ही एमिट कर रहा है, ये हो रहा है, लेकिन ये हर जगह ट्रू नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रू होता है बेसिक केसेस में, जैसे कि हाइड्रोजन एटम, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। जब मैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स पे जाऊंगी तो जरूरी नहीं है कि मेरे एब्जॉर्प्शन वाली लाइट ही मुझे एमिशन में मिले। तो अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरे एमिशन मेरे इलेक्ट्रॉन कितनी लाइट एमिट कर रहे हैं और वो कौन से एनर्जी लेवल से गिर रहे हैं, इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन ये है कि आप ये चेक करो एमिशन स्पेक्ट्रा या एमिशन लाइंस कितनी आ रही है, रादर देन आपने कितनी एब्जॉर्प्शन कराए, है ना। तो ओवरऑल मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि एमिशन स्पेक्ट्रा का आप काउंट रखते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा आप ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, क्योंकि आपको एक्चुअली ये चेक करना होता है कि इलेक्ट्रॉन ने जो भी लाइट एब्जॉर्ब करी उसे खर्च कैसे करी, तो वो मैं कैसे चेक करूंगी ऑन द बेसिस ऑफ वो कितनी लाइट एमिट करके जो है अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहा है, ठीक है। अब जो लोअर एनर्जी लेवल है, लोअर एनर्जी लेवल जिससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है, जहां पे मेरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो लोअर एनर्जी लेवल है उसको मैं बोलूंगी ग्राउंड स्टेट, और इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से जहां एक्साइट होता है उनको हम लोग बोलते हैं बेटा एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा समझना है, ग्राउंड स्टेट लोअर एनर्जी लेवल होता है, बाकी सारे उससे हाई एनर्जी लेवल जो होते हैं एक्साइटेड स्टेट होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनेगा, हम लोग अभी बात कर रहे हैं बेटा हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन एटम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली किसमें प्रेजेंट होगा, फर्स्ट लेवल में प्रेजेंट होगा, तो n इक्वल्स टू 1 में ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो n इक्वल्स टू 1 इसका ग्राउंड स्टेट हो गया, ठीक है। बट हमेशा ग्राउंड स्टेट n इक्वल्स टू 1 नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपने सोडियम एटम की बात करी, सोडियम एटम की अगर आप कॉन्फिगरेशन लिखते तो 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s1 होता है ना, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है, 3 पे, तो n इक्वल्स टू 3 जो है ये इसका ग्राउंड स्टेट हुआ। हालांकि मैं इस केस को अभी डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और हमारा जो बोहर का मॉडल है, बोहर का मॉडल सिर्फ और सिर्फ बेस्ड है आपके 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे,
वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्थिति पे नहीं गया है, वो बहुत ही बेसिक लेवल पर है, ठीक है। बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपका ग्राउंड स्टेट क्या होता है। ग्राउंड स्टेट बेसिकली वो स्टेट होता है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जो एक्साइट हो सकता है। इनर लाइन वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये कभी एक्साइट नहीं होते, वेरी डिफिकल्ट टू एक्साइट, व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी क्लोजर टू द न्यूक्लियस। एक्साइट हमेशा कौन से होते हैं? जो वैलेंस शेल के होते हैं, विच आर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जरूरी नहीं है, इनफैक्ट जरूरी क्या होता ही नहीं है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एन इक्वल्स टू वन। हमेशा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होते हैं उसमें एन आपका हायर होता है, ठीक है। सेकंड चीज, आप जो है अभी फिलहाल मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात ही नहीं करेंगे, आप सिर्फ इस चैप्टर में किसकी बात करेंगे बेटा? हाइड्रोजन एटम की या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की, विच आर ओनली वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ऑलवेज एन इक्वल्स टू वन ही हमारा ग्राउंड स्टेट होना है। रेस्ट ऑल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टिल इन्फिनिटी वुड बी माई एक्साइटेड स्टेट। इज दैट क्लियर टिल नाउ? राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रोसेस ऑफ एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन इन अ मोर क्लियरर वे। तो अगर अब हम लोग जो है एक बार डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा की, ठीक है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा में आपको पता है सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं ना। हाइड्रोजन एटम में हमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, दीज आर माई डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। बट एक बात बताइए, जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है एन इक्वल्स टू वन, उस पर एनर्जी क्या होती है बेटा? ई वन। और ई जो होता है वो होता है -13.6 ई वी इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अगर मैं फर्स्ट लेवल की बात कर रही हूँ तो मेरा जेड भी वन होगा बिकॉज हाइड्रोजन एटम है और एन भी वन होगा। तो ई वन का जो वैल्यू है मैं यहाँ लिख देती हूँ, ई वन जो है वो है -13.6 ई वी। नाउ अगर हम एन की वैल्यू 2 रखें तो यहाँ ई टू हमारा क्या बनेगा बेटा? E2 होगा -13.6, Z तो 1 ही रहेगा हमेशा क्योंकि आप हाइड्रोजन एटम की बात करें, और 2 का स्क्वायर मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो -3.4 EV। जब आप थर्ड लेवल की बात करेंगे E3, तो आपको लेवल में एनर्जी क्या नजर आएगी? आप इसे डिवाइड करेंगे 9 से, तो मतलब बेसिकली 3 का स्क्वायर 9, 9 से डिवाइड करा तो ये बन जाएगा आपका -1.5 EV। वैसे ही N = 4 के लिए जो E4 बनेगा वो -0.8 EV। इस हिसाब से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। एंड लेट्स से ये एक और लेवल है मेरे पास जो एग्जिस्ट कर रहा है। आपको ये तो हालांकि पता ही होगा, जैसे कि आपको दिख रहे भी आए यहाँ पे, कि जब मैं न्यूक्लियस से दूर जाती हूँ तो मेरी एनर्जी जो है शेल्स की एनर्जी बेसिकली इंक्रीज करती रहती है। यही हमें बोहर ने बोला कि एज यू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी ऑफ द शेल्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। बट कैन यू सी दिस एनर्जी डिफरेंस? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द शेल्स आर एक्चुअली डिक्रीजिंग। वाई? क्योंकि अब ये देखिए ई वन और ई टू के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना है? 10.2 ई वी। सिमिलरली टू और थ्री के बीच का एनर्जी देखिए आप कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप निकालेंगे अप्रॉक्सीमेटली 2 ई वी 1.9 ई वी के आसपास आएगा। तो 10.2 से एकदम 1.9 आ गया, और यहाँ तो अब इनफैक्ट और भी 1 से कम आएगा। तो आपका बेसिकली क्या होता है जब आप न्यूक्लियस से दूर जाते रहते हैं, दो चीज़ें होती है बोहर मॉडल में। When you move away from the nucleus, first thing that happens is orbits having higher energies, you know, वो बढ़ते रहते हैं। तो आप जैसे जैसे अवे जाते रहते हैं ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या होती रहती है बेटा? बढ़ती रहती है। सेकेंड चीज़ जो होती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एज आई मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द शेल्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। एनर्जी डिफरेंस उनके बीच का क्या करता है? डिक्रीज करता है, ठीक है। नाउ मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रही हूँ, मेरा एक इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है एन इक्वल्स टू वन पे, राइट। नाउ इस ग्राउंड स्टेट पे अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एच न्यू, तो मेरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। हमारे बोहर ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन हमेशा उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जितना एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू कंसर्न शेल्स होता है। मतलब अगर मेरे इलेक्ट्रॉन को n इक्वल्स टू 2 पे जंप करना है तो 2 और 1 के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना है? 10.2 ईवी। तो वो एग्जैक्टली 10.2 ईवी ही एब्जॉर्ब करेगा। अब अगर उसे 1 से 3 पे जंप करना है तो 1 और 3 के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना होगा? आपका अप्रॉक्सीमेटली 12.1 ईवी आएगा क्योंकि 1.9 है, तो 12.1 ईवी ही एग्जैक्टली वो एब्जॉर्ब करेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है जब उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दी जाती है तो वो उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जितना एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू कंसर्न शेल्स होता है, ये आप याद रखिए। और जस्ट अभी जब हम लोग एक्सपेरिमेंट देख रहे थे तो हमने ये भी देखा था कि जिस वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब होती है उसी वेवलेंथ की लाइट एमिट होती है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी जितना एनर्जी डिफरेंस है टू शेल्स के बीच में, तो जब वो हायर शेल से नीचे
नीचे आएगा तब भी वो उतनी ही एनर्जी एमिट करेगा जितना एनर्जी डिफरेंस है टू शेल्स के बीच में. मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब एंड एनर्जी विच इज एमिटेड इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू कंसर्न्ड शेल्स. इज दैट क्लियर टिल नाउ? ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी है. नाउ अगर लेट्स से थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं कि यहाँ से जो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू एनर्जी दे रही हूँ वो मैं कितनी दे रही हूँ, पहले मुझे ये सोचना है ना भाई. आपको एटलीस्ट n इक्वल्स टू टू, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर मैं बोलूँ, क्योंकि ये सारी एक्साइटेड स्टेट है, तो जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है मुझे एटलीस्ट अगर वहाँ तक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराना है तो मुझे 10.2 ev एनर्जी तो देनी पड़ेगी उसे, है ना. तो सपोज मैंने 10.1 ev दी तो क्या इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएगा यहाँ पे? नहीं. इनफैक्ट अगर आप 10.199999 ईवी भी दोगे तो भी आपका इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे नहीं जाएगा. मेरा इलेक्ट्रॉन एन इक्वल्स टू वन से एन इक्वल्स टू टू पे सिर्फ और सिर्फ तब जाएगा जब आप जो एनर्जी उसे दे रहे हैं वो एग्जैक्टली ई टू माइनस ई वन के बराबर, मतलब एग्जैक्टली 10.2 ईवी है. यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो अगर आपने एनर्जी जो आप यहाँ से दे रहे हैं वो 10.2 ईवी के बराबर है तो मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर लेगा वन से किसकी तरफ? टू की तरफ, ठीक है. अगर आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, मैं यहां लिख देती हूं, इफ एनर्जी सप्लाइड टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10.2 ईवी देन ट्रांजिशन विल टेक फ्रॉम एन इक्वल्स टू वन टू एन इक्वल्स टू टू. इफ एनर्जी सप्लाइड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू लेट्स से 12.1 ईवी, तो आप देखिए इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली 1.9 है, तो ये आपका बना कितना? 12.1 ईवी, है ना, अप्रोक्सीमेटली 12.1 ईवी बना. तो अगर आप 12.1 ईवी देंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ट्रांजिशन करेगा किस पे? एन इक्वल्स टू 1 से एन इक्वल्स टू 3 पे. तो मेरा ट्रांजिशन होगा एन इक्वल्स टू 1 से डायरेक्ट एन इक्वल्स टू 3 पे. ये बात क्लियर हुई? सपोज आपने जो एनर्जी सप्लाई करी, इफ एनर्जी सप्लाइड टू इलेक्ट्रॉन इज 11 ईवी, मैंने 11 ईवी दी तो क्या होगा? जब मैं 11 ईवी दे रही हूं तो वो 11 ईवी तो कुछ इंटरमीडिएट एनर्जी है, मतलब ना ही वो 1 से ट्रांजिशन जब 2 पे करना है उससे ज्यादा, और 1 से अगर 3 पे करना है तो उससे क्या है? कम है. तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें से 10.2 ईवी तो है एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक, और जो रिमेनिंग 0.8 ईवी है, 0.8 ईवी जो रिमेनिंग एनर्जी है वो भी वो एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन उस एनर्जी से वो ट्रांजिशन नहीं कर पाएगा और उस एनर्जी को वो सिर्फ अपनी मैकेनिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट कर लेगा. सो व्हाट डू यू हैव अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर is, अगर आप 10.2 दे रहे हैं तो 2 पे ट्रांजिशन करेगा, 12.1 दे रहे हैं तो 3 पे ट्रांजिशन करेगा. अगर आपने 2 से मतलब 2 पे ट्रांजिशन के लिए जितनी चाहिए उससे ज़्यादा दी बट 3 पे ट्रांजिशन के लिए जितनी चाहिए उससे कम दी तो क्या करेगा? लोएस्ट वाली एनर्जी तो है एब्जॉर्ब करके ट्रांजिशन कर लेगा n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 2 पे, एंड रिमेनिंग जो एनर्जी है 0.8 ईवी वो उसकी मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगी, वो उसकी मैकेनिकल एनर्जी इंक्रीज करने में जो है वो यूज़ हो जाएगी. तो ये सारी चीज़ें बता आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती हैं, ठीक है. ये क्वेश्चंस आप ना डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, जैसे अगर आपके पास सीधा से आपको हर लेवल का एनर्जी डिफरेंस अगर एग्जैक्टली पता है तो आप डायरेक्ट इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. कि अगर मैं बोलूँ कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल अकर इफ द इलेक्ट्रॉन इफ द रेडिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एनर्जी स्ट्राइक्स द हाइड्रोजन एटम, तो वो एनर्जी कितनी आप वो देख लो, और हर के बीच का एनर्जी डिफरेंस अगर आपको पता है तो आप बहुत ही जल्दी शॉर्टकट तरीके में बता सकते हो कि कौन सी ट्रांजिशन होगी इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग इट, है ना. तो कैलकुलेशन के बजाय आप इस तरीके से अगर अप्रोच करेंगे तो काफ़ी इजी होगा, ठीक, तक बात क्लियर हुई. सेकेंड चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक बार इलेक्ट्रॉन को आपने 10.2 ईवी दे के लेट्स से n इक्वल्स टू 2 पे पहुंचा लिया, अब अगर आप कहो कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को n इक्वल्स टू 2 वाले इलेक्ट्रॉन को वापस एनर्जी दे रहा हूं तो क्या वो n इक्वल्स टू 3 पे जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा. हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हमेशा एक बार होता है और हमेशा एक्साइटेशन ग्राउंड स्टेट से होता है. एक बार वो एक्साइट हो गया, वो एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच गया, तो एक्साइटेड स्टेट से री एक्साइटेशन कभी नहीं होता. तो याद रखिए नेवर री एक्साइटेशन नेवर अकर्स.
रोटेशन नेवर अकर्स. तो n इक्वल्स टू 1 पे गया तो अब वंस जहां भी उसे जाना होगा उसे डायरेक्ट जाना पड़ेगा, 1 से 3 या 1 से इंफिनिटी या 1 से 5, जहां भी जाएगा वो डायरेक्ट जाएगा. वो कभी ऐसा नहीं करेगा कि अगर मुझे अब्सॉर्ब करना है तो मैं 1 से पहले 3 पे जाता हूँ, फिर 3 पे आप दूसरी एनर्जी दीजिए, फिर मैं आगे 5 पे चला जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता. इलेक्ट्रॉन को अगर आप n इक्वल्स टू 5 पे भेजना चाहते हैं तो आप सफिशिएंट एनर्जी दीजिए जो कि E5 माइनस E1 के बराबर है, और तभी मेरा इलेक्ट्रॉन 1 से डायरेक्ट 5 पे जाएगा. आप कहो कि नहीं पहले उसे 3 तक भेजते हैं फिर 3 वाले इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी देके 5 पे पहुंचाएंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल. तो ये काफी चीजें आपने समझ ली अबाउट द एक्साइटेशन प्रोसेस. ठीक है, एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां बताऊंगी कि एक्साइटेशन जो है बेटा सर्टेन है. एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? सर्टेन. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब ये है कि अगर मुझे पता है मैंने कितनी एनर्जी सप्लाई की है तो मैं 100% श्योरिटी के साथ बता सकती हूँ कि मेरा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कौन से लेवल पे पहुंचेगा. क्योंकि अभी मैंने आपको यही समझाया ना, यहाँ पे भाई मैंने 10.2 दी मतलब आई एम श्योर कि इलेक्ट्रॉन 2 पे गया होगा. मैंने 12.1 दी, आई एम श्योर मेरा इलेक्ट्रॉन जो है 3 पर गया होगा. मैंने 12 दी, आई एम श्योर मेरा इलेक्ट्रॉन 3 पे नहीं जा सकता क्योंकि 3 के लिए 12.1 चाहिए, तो एनिकोस टू 2 पे गया होगा, बाकी उसने एब्जॉर्ब कर लिया होगी अपनी मैकेनिकल एनर्जी के लिए, है ना. मैंने 13.6 ही दे दी, आई एम श्योर मेरा इलेक्ट्रॉन जो है आयनाइज होके इन्फिनाइट शेल पे चला गया. मतलब जब आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराते हैं क्योंकि आपका जो एक्साइटेशन है उसमें जो एनर्जी लग रही है वो स्पेसिफिक है और री एक्साइटेशन नहीं हो रही है, तो आप हमेशा 100% श्योर रहते हैं एक्साइटेशन के लिए कि अब मैंने इतना इलेक्ट्रॉन दी एनर्जी दी तो मेरा एक्साइटेशन कहाँ हुआ होगा. तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि एक्साइटेशन हमेशा बेटा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? सर्टेन, फिक्स्ड. ठीक, तो ये आपने एक्साइटेशन का जो प्रोसेस है ये समझ लिया. दिस इज व्हाट इज एक्साइटेशन. ठीक है, अब आपका मन तो कर रहा है घूमने फिरने जाने के लिए, आप चले भी गए अपने दोस्त के यहाँ, माँ बाप ने अलाउ भी कर दिया आपकी बेटा दोस्त के यहाँ चला जा नाइट आउट मार ले, लेकिन एक दिन ही तो रुकोगे, ऐसा थोड़ी कि परमानेंटली घर ही उस अपने दोस्त के कर लोगे, दोस्त के माँ बाप निकाल देंगे तुम्हें घर से बाहर कभी ना कभी, तो है ना. तो वही लॉजिक है, इलेक्ट्रॉन ने एक बार एनर्जी लेके एक्साइट तो वो हो गया, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन मेरा कभी स्टेबल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि एक्साइटेड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा और इलेक्ट्रॉन एक ही है तो वो चाहेगा न्यूक्लियस के पास रहना, है ना. तो इस वजह से हमेशा एक्साइटेड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? अनस्टेबल. और वो इसलिए एक्साइटेड स्टेट से वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे जो है आ जाता है. जब वो ग्राउंड स्टेट पे आता है तो वो सारी एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब करी थी, जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी वो सारी एनर्जी जो है एमिट कर देता है. ठीक है, तो लेट्स से मेरा इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके n इक्वल्स टू 4 पे चला गया. अब n इक्वल्स टू 4 से वो डी एक्साइट करना चाह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 4 से सीधा n इक्वल्स टू 1 पे डी एक्साइट करा. बट हमेशा याद रखिए बेटा, ऑन द कॉन्ट्ररी बेसिस डी एक्साइटेशन का जो प्रोसेस है वो अनसर्टेन है, वो हमेशा अनसर्टेन होता है. अब क्यों, जरा और अच्छे से समझते हैं. भाई सपोज तुम्हें निकलना है घर से भावना मैम की क्लास के लिए और तुम्हें पता है कि भावना मैम 5 मिनट भी अगर लेट पहुंचोगे तो आने नहीं, 1 मिनट भी लेट पहुंचोगे तो आने नहीं देगी. तो अगर आप घर से निकले हो तो आप सीधा क्लास में ही आओगे क्योंकि पता है अगर क्लास में नहीं पहुंचे तो घर पे फोन जाएगा और फालतू कलेश मचेगा, है ना. तो आप सीधा घर आओगे, मतलब वो आपका सर्टेन है, माँ बाप को पता है कि मेरा बच्चा सर्टेनली ट्यूशन ही गया. लेकिन सपोज मैंने क्लास डिजायर टाइम से पहले छोड़ दी तो क्या करोगे आप? हो सकता है कहीं मोमोज खाने जाओ, हो सकता है पैसिफिक मॉल घूमने जाओ, हो सकता है इधर घूमो उधर घूमो गेड़ी मार मूर के फिर जो है अपने घर पे जाओ, ऐसा पॉसिबल है. तो डी एक्साइटेशन एग्जैक्टली वही प्रोसेस है. एक्साइटेशन वही है घर से ट्यूशन डायरेक्ट जाना, और डी एक्साइटेशन है ट्यूशन से घर डायरेक्ट ना आना. डायरेक्ट आ भी सकते हैं, कुछ बच्चे शरीफ होते हैं डायरेक्ट घर आते हैं, बट जो नहीं होते मैक्सिमम नहीं होते तो हमेशा एक से ज़्यादा स्टॉपेज लेकर पहुँचते हैं, है ना. तो यही काम हो रहा है यहाँ पे. मेरा इलेक्ट्रॉन जब डीएक्साइट करता है तो डीएक्साइटेशन अनसर्टेन होती है. हाई हमें ना मालूम कि मेरा इलेक्ट्रॉन कौन से पैसेज से कितनी बार रुक रुक के डीएक्साइट हुआ है, बट मुझे इतना मालूम है जो सर्टेनली आई एम श्योर अबाउट कि उसको मैंने जितनी एनर्जी दी थी वो उतनी एनर्जी एट द एंड मुझे दे देगा, दैट इज आई एम श्योर ऑफ. तो इसका मतलब हो सकता है मेरा इलेक्ट्रॉन 4 से 1 पर आ जाए डायरेक्ट, इट इज पॉसिबल कि वो डायरेक्ट डीएक्साइट करे. तो ये वाला इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट वे ऑफ डीएक्साइटेशन हुआ, फर्स्ट वे. और इस वे में, फर्स्ट वे में जो वो एनर्जी एमिट करेगा वो होगा क्योंकि वो डायरेक्ट गिरा है तो E4 माइनस E1 एमिट करेगा. बट जरूरी तो नहीं ऐसा ही हो, तो हो सकता है मेरे इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 4 से सीधा n इक्वल्स टू 2 पे पहले जाए और फिर 2 से 1 की तरफ आए,
ये मेरा सेकेंड वे ऑफ डी एक्साइटेशन हुआ, और इस केस में वो दो एनर्जी एमिट करेगा, जब वो 4 से 2 पर आया तो E4 - E2 एमिट करा, प्लस जब वो 2 से 1 पर आया तो E2 - E1 एमिट करा, और देखिए इन टोटल आप देखेंगे तो E4 - E1 के बराबर हुआ, समझ रहे हो, ये चीज़ है। तो हमारा डी एक्साइटेशन का प्रोसेस अनसर्टेन होता है, हमें नहीं मालूम मेरा इलेक्ट्रॉन कितने वेव से जो है नीचे गिर रहा है, समझ रहे हो बात को, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं एक्साइटेशन पे टेक लूंगी, मतलब एक्साइटेशन को मेजर करूंगी तो मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा निकालूंगी, मैं डी एक्साइटेशन को मेजर करूंगी तो मैं एमिशन स्पेक्ट्रा निकालूंगी, और एमिशन स्पेक्ट्रा मोर यूजफुल है हमारे लिए, है ना। तो इस वजह से अब हम लोग डी एक्साइटेशन के प्रोसेस को और जो है खोद के निकालते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ठीक है। आपको ओवरव्यू जो है अच्छे से क्लियर हो गया कि कैसे ये प्रोसेस हो रहा है और इसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है। चलिए नेक्स्ट अपन लोग जा रहे हैं डी एक्साइटेशन, ठीक है। डी एक्साइटेशन के लिए अभी बस मुझे इतना पता है कि एनर्जी फाइनली उतनी मिलेगी जितनी एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू शेल्स है, मतलब जितनी उसने एब्जॉर्ब करी थी, लेकिन कितने वेज में मिलेगी ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरा डी एक्साइटेशन का प्रोसेस अनसर्टेन है। तो अब मैं जरा आप लोगों को थोड़ा और डी एक्साइटेशन से समझाती हूँ। तो मेरा फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड लेट्स से थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल मोर क्लोजर टू दिस, एंड देन फिफ्थ लेवल विच इज मोर क्लोजर टू दिस। तो वी हैव एनर्जी E1 हियर, वी हैव एनर्जी E2, E3, E4, E5, n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3, ठीक है। Now, as I said कि let's say मेरा इलेक्ट्रॉन n equals to 4 से डीएक्साइट कर रहा है, तो n equals to 4 से वो या तो ऐसे आ सकता है डायरेक्ट, या वो डायरेक्ट नहीं भी आ सकता, हो सकता है वो n equals to 4 से पहले 3 की तरफ जाए, 3 से सीधा बनाए। फर्स्ट वे ये है, फर्स्ट वे, दिस इज सेकेंड वे, थर्ड वे क्या है कि वो थर्ड से फिर टू से और फिर आए, दिस इज थर्ड वे, या फिर ऐसा कि टू पर आए और फिर आए, दिस इज फोर्थ वे। और कोई वे पॉसिबल है कि हमारे पास नहीं, या तो थ्री पे रुके और फिर डायरेक्ट आए, या टू पे रुके फिर डायरेक्ट आए, या थ्री के बाद टू पे दोनों बार रुके और फिर डायरेक्ट आए। तो ये चार वेज हो गए मेरे पास डिफरेंट, जिस तरीकों से दीज आर, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से, कि ये तरीके हैं, दीज आर द वेज, दीज आर नॉट द लाइन्स आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, दीज आर द वेज। तो इतने चार पॉसिबल तरीके हैं इलेक्ट्रॉन के डी एक्साइट होने के लिए, ठीक है। अब आते हैं क्लियर मुद्दे की बात समझने के लिए। भाई एक बात बताओ, ये तो एक ही हाइड्रोजन एटम की बात है ना, क्यों? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक हाइड्रोजन एटम की बात है। बट अगर मैं एक सैंपल ले रही हूँ, जो मैंने अभी दिखाया था जब मैं एक्सपेरिमेंट्स वाले डायग्राम ड्रॉ करे, तो आई टुक अ हॉट गैस सैंपल, सैंपल में एक एटम तो नहीं होगा ना, सैंपल में मोल्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, क्योंकि अगर कितना भी मिनिमम मास लो तो उसको मोलर मास से डिवाइड करके इनटू एवोगैड्रोस नंबर करोगे, तो एटम्स तो बहुत सारे बनने वाले हैं ना आपके पास, तो बहुत सारे एटम्स जिसको मैं इन अ वे बोल सकती हूँ, इनफाइनाइट एटम्स, ठीक है। तो हो सकता है एक एटम का इलेक्ट्रॉन ये तरीका फॉलो कर रहा हो, दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन ये तरीका फॉलो कर रहा हो, तीसरे एटम का इलेक्ट्रॉन ये तरीका फॉलो कर रहा हो, चौथे एटम का इलेक्ट्रॉन ये तरीका फॉलो कर रहा हो, समझे? तो और हो सकता है पांचवा वाला भी ये फॉलो कर रहा हो। तो हमारे पास इनफाइनाइट एटम्स हैं, बट तरीके डी एक्साइटेशन के सिर्फ कितने हैं? चार। तो इसका मतलब वो इनफाइनाइट एटम्स इन चारों में से ही कोई तरीका फॉलो करेंगे, समझे मेरी बात? और कोई तरीका पॉसिबल ही नहीं है। तो इनफाइनाइट एटम्स अगर मेरे पास है एक सैंपल में, उन सैंपल के पास चाहे इनफाइनाइट एटम्स है, तरीके सिर्फ कितने हैं? चार। अब अगर मैं ये एमिशन लाइन्स मेजर करना चाहूँ, तो इस करस्पॉन्डिंग एमिशन लाइन मेजर करने का मतलब ये है कि जब मेरा इलेक्ट्रॉन जो है, एक बार ध्यान से सुनेगा, ये मैं स्पेक्ट्रम यहां ड्रॉ कर रही हूं, ठीक है, यहां मैं स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रही हूं, मतलब मैं क्या कर रही हूं, जो भी लाइट एमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंगली एक लाइन जो है लगा रही हूं स्पेक्ट्रम में, एक कलर लाइन लगा रही हूं। तो लेट्स से मेरा इलेक्ट्रॉन 4 से जंप 1 पर आया, इसने एक एनर्जी एमिट करी E4 - E1, और E4 - E1 के करस्पॉन्डिंगली इसने एक वेवलेंथ दी होगी, लेट्स से वो वेवलेंथ ये है, तो एक लाइन मेरे पास स्पेक्ट्रम में यहाँ आ गई,
जब अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड वेव फॉलो करेगा तो वो दो बार वेवलेंथ, दो बार लाइट एमिट करेगा, एक बार E4 से E3 और एक बार E3 से E1। तो दो लाइंस और दोनों वेवलेंथ डिफरेंट होगी क्योंकि दोनों की एनर्जी डिफरेंस है। तो आई कैन गेट टू लाइंस, दीज टू लाइंस वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस। व्हाई? बिकॉज ये वाली एनर्जी E4 - E1 है, ये E4 - E3 है, ये E3 - E1 है। ऑल आर डिफरेंट एनर्जी, सो आई विल बी गेटिंग डिफरेंट वेवलेंथ। नाउ एज आई गेट इनटू द थर्ड वेव, थर्ड में अगर इलेक्ट्रॉन ये वाला तरीका फॉलो कर रहा है तो वो एक तो ये वाला दे रहा है जो कि इस ये वाली लाइन पहली मैंने रिपोर्ट कर ली है, तो एक लेट से ये वाली लाइन मेरी रिपोर्ट होगी तो एक तो इसी के ऊपर कोइंसाइड कर गई, एक डिफरेंट आ गई यहाँ पे और एक ये वाली भी डिफरेंट आ गई क्योंकि ये भी अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई थी। ठीक है, जब वो फोर्थ चौथा वे फॉलो करेगा तो एक लाइन ये आ गई मेरी जो डिफरेंट है, अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई थी बट ये वाली लाइन रिपोर्ट हो चुकी थी, तो ये वाली जो है इसी के ऊपर आ गई और एक और डिफरेंट आ गई। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेरे पास 6 डिफरेंट लाइंस आई इन स्पेक्ट्रा, और इन्हीं लाइंस को हम लोग जो है बेटा एमिशन लाइंस बोलते हैं। तो आपसे सवाल आता है जनरली कि मेरा इलेक्ट्रॉन n=4 से अगर n=1 की तरफ डी एक्साइट करे, हाउ मेनी मैक्सिमम emission lines we can get, how many maximum emission lines we can get? मेरा answer होगा 6, because मैंने अभी देखा कि 6 different emission lines मुझे यहाँ मिलेंगी, है ना? तो ऐसे बोलेंगे हाँ मैडम ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली, तो क्या बार बार हमें ऐसे करके देखना पड़ेगा, मतलब पहले different ways निकाले और फिर ये करें? तो बोलूँगी नहीं बेटा। तो आपके पास formula होता है, formula to calculate maximum number of emission lines। मिलती है मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस? फॉर्मूला है हमारे पास n n-1/2। ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब मेरा इलेक्ट्रॉन n से n=1 की तरफ एक्साइट करे, मतलब हमेशा ग्राउंड स्टेट में आए। तो n - n 1/2 मतलब यहाँ पे n का वैल्यू मेरा 4 है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से n का वैल्यू 4 × 3/2 अगर आप करोगे तो एमिशन लाइंस कितनी आएगी? 6, और वही मेरा आंसर है। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। बट अगर मेरा इलेक्ट्रॉन, लेट से मैं आपसे सेकंड तरीके का क्वेश्चन पूछती हूँ कि अब मेरा इलेक्ट्रॉन जो है n=1 पे नहीं आ रहा, n=4 से लेट से आएगा तो 1 पे ही, n=3 में तक की कितनी एमिशन लाइंस पॉसिबल है? ये सवाल आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन n=3 नहीं लेके, सॉरी बेटा 2 ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन n=1 पे नहीं आएगा, आएगा, लेकिन सवाल इतना पूछना चाह रहा है कि 3 से अगर 2 पर आ रहा है तो कितनी लाइंस आ रही है। तो आप इसी वेज में देख लो ना, 4 से 2 वाली कितनी लाइंस है? ये वाली लाइन तो नहीं गिनी जाएगी क्योंकि 4 से 1 डायरेक्ट है, ये वाला पॉसिबिलिटी है 4 से 2 में आने के लिए, बट ये वाली लाइन नहीं होगी। तो अगर आपको 4 से 2 में आना है, ये आपका तो 4, 1, 2, 3, 4, 4 से 2 में आना, या तो सीधा आओ 4 से 2 में, या 4 से 3 में आओ और 3 से फिर 2 में आओ, या फिर आपके पास और कोई तरीका ही नहीं। दीज आर द टू वेज। और ये तीनों की लाइंस कितनी है डिफरेंट, तो मेरा आंसर कितना है इस केस में? मैक्सिमम मिशन लाइंस मेरे पास कितनी आ सकती है बेटा? 3। तो अगर 4 से 2 पर आना है तो मैक्सिमम मिशन लाइंस मेरे पास कितनी हो सकती है? 3। लेकिन अगर आपके पास ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन नहीं गर रहा, किसी बीच में पूछा गया है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये फॉर्मूला तो आपको 6 लाइन देगा। तो अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस निकालनी है, जब आपका इलेक्ट्रॉन n2 से n1 गिर रहा हो, मतलब जरूरी नहीं ग्राउंड स्टेट पे, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? n2 - n1 + 1/2 करके। जैसे इस केस में मेरा इलेक्ट्रॉन n=4 से n=2 पर आ रहा है, तो मैंने n2 का वैल्यू 4 ले लिया और n1 का वैल्यू 2 ले लिया, तो 4 - 2 + 1/2 करूंगी मैं, तो ये हो गया 2 × 2, ये हुआ 2 + 1 = 3/2। देखिए आंसर कितना आया? 3। तो आप ये वाला फॉर्मूला जो है यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट ये वाला फॉर्मूला आपका एक तरीके से जनरल फॉर्मूला हो गया कि अगर 1 पे भी गिरे तो भी ये वैलिड है, बिकॉज अगर आप n1 की जगह 1 रखेंगे तो आपका फॉर्मूला इसी फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? तो आप एक फॉर्मूला अगर याद करना चाहते हैं, आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि दिस फॉर्मूला विल गिव मी
द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डीऑक्साइड बिटवीन एनी टू लेवल, नॉट नेसेसरली ग्राउंड स्टेट, एनी टू लेवल, राइट? यहां तक तो हमें बात बिल्कुल समझ आ गई, ठीक है? और यहां तक वही अगर आप पढ़ रहे हैं यहां तक, तो आपका स्कूल का काम बनेगा, और साथ साथ जो है थोड़ा बहुत अगर मैं कहूँ तो आईएससी से थोड़ा सा मेंस लेवल तक आप बन जाएगा काम। लेकिन जैसे ही आप एडवांस लेवल पर आते हैं या एम्स लेवल पर आते हैं, तो इतनी नॉलेज काफ़ी नहीं है। इस नॉलेज के साथ एक एड ऑन चीज़ रिक्वायरमेंट है, और वो ये है कि ये जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए, ये फॉर्मूले कब वैलिड है, वेयर, व्हेन आर दीज फॉर्मूला वैलिड? एवरीवेयर, एवरी टाइम, हमेशा वैलिड रहेंगे। मतलब जब भी सवाल आए मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन का, क्या मैं आँख बंद करके फॉर्मूला लगा सकती हूँ? एंड माई आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये एमिशन लाइन्स के फॉर्मूले जो है कब तक वैलिड है। तो हमेशा याद रखिए बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसी को मैं बेसिक से रिलेट कर रही हूँ। मैंने ये फॉर्मूले निकाले बाय फर्स्ट कैलकुलेटिंग, मैंने फॉर्मूले के बिना कैलकुलेट करे थे 6 लाइन्स, है ना? कैसे कैलकुलेट करे थे? पहले मैंने पॉसिबल नंबर ऑफ वेज निकाले थे, और फिर मैंने कहा था क्योंकि मेरे सैंपल पे इन्फिनाइट आइटम्स हैं और इन और मेरे पास 4 ही वेज है, तो ऑब्वियसली ये बात पक्की होती है कि सारे के सारे आइटम्स कोई ना कोई इनमें से एक वे तो फॉलो कर ही रहा होगा। मतलब हर वे की वजह से कोई ना कोई एमिशन लाइन में कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, समझ रहे हो भाई? अगर एक बात बताओ, 100% श्योरिटी के साथ तो आप ऐसा नहीं बोल सकते ना। जैसे मतलब आजकल लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो एक एग्जांपल देके समझाती हूं तो रिलेट कर पाओगे कि भाई बहुत हमें बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, ठीक है? क्यों मेंटेन करें जब मुझे पता है कि मेरे को कोरोना नहीं है, मेरे दोस्त को कोरोना नहीं है, उसके दोस्त को कोरोना नहीं है, उसकी फैमिली को कोरोना नहीं है, मुझे पता है, तो मैं क्यों सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करूं, है ना? इसका एक पर्सपेक्टिव ये भी तो हो सकता है कि अगर सब लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि नहीं हमें तो नहीं है, हमें तो नहीं है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, बट फिर भी आप 100% श्योर तो नहीं हो सकते ना कि आप में से किसी एक को भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी एक को हल्का सा भी होगा तो सबको हो जाएगा। तो आप ये इसलिए कहते हो ना कि आपको क्राउडिंग नहीं अवॉइड करनी, क्यों? क्योंकि जब भी हम क्राउडिंग देखते हैं हमारे दिमाग में एक पिक्चर आ जाती है, अरे इनमें तो सबको कोरोना हो सकता है। हमारे दिमाग में ये है सबको हो सकता है क्योंकि भीड़ है, पर ज़रूरी तो नहीं, बट ऐसा ये भी एलिमिनेट नहीं कर सकते कि नहीं हो सकता। लेकिन आज के सिचुएशन को देखकर नहीं होने वाली प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, है ना? होने वाली प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यही चीज़ यहाँ पर है। हालांकि देखो मेरे पास इन्फिनाइट आइटम, और इन्फिनाइट जो है एक अनडिफाइंड वर्ड है, बहुत सारे आइटम्स हैं मेरे पास, मतलब अनगिनत आइटम, बहुत सारे आइटम्स हैं, तो इतने सारे आइटम ऐसा तो नहीं है एक ही तरीका फॉलो करेंगे। मेजॉरिटी हो सकता है एक तरीका फॉलो कर रही हो, लेकिन फिर भी बाकी तरीके फॉलो ना हो रहे हो, इस पॉसिबिलिटी को मैं एलिमिनेट नहीं करके चल सकती। इसलिए जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो मैं हमेशा मानती हूँ कि सारे पॉसिबल वे ऑफ डीएक्साइटेशन फॉलो करना, मतलब सारे पॉसिबल वेज ऑफ डीएक्साइटेशन फॉलो होंगे, हेंस ये फॉर्मूले से मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स आएगी। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये 6 निकाला, या ये फॉर्मूले से जब मैंने 6 निकाला, तो मैंने सारे वेज कंसिडर करे ना, और सारे वेज तब तक पॉसिबल है जब आप ये मानो कि इन्फिनाइट एटम्स है। तो इसका मतलब ये वाले जो दो फॉर्मूलेज हैं, इसको बोल्ड लेटर में लिखना, ओनली वैलिड व्हेन इन्फिनाइट एटम्स आर अवेलेबल। जब इन्फिनाइट एटम्स अवेलेबल हो, है ना? तो वैसे बेटा कभी भी सवाल में आपको दिया ना जाएगा कि इन्फिनाइट आइटम्स अवेलेबल है। अगर नहीं दिया गया बाय डिफॉल्ट, मतलब आप ये मानो कि इन्फिनाइट है, और अगर इन्फिनाइट नहीं होंगे तो ज़रूर बताएंगे। तो अगर मैंने बोल दिया मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन को, मतलब बाय डिफॉल्ट मान लो कि इन्फिनाइट आइटम्स है, हैंस इस फॉर्मूले के थ्रू आप निकाल सकते। यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हुई? ठीक, तो चलिए अब एक नई चीज़ देखते हैं। मैं इसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सवाल चेंज करके दे रही हूँ, क्या जरा बता रही हूँ। अभी तक जो डिस्कशन करा वो लिख देती हूँ यहाँ पे। इफ केस वन, इफ इन्फिनाइट एटम्स आर प्रेजेंट, देन इन्फिनाइट एटम्स आर प्रेजेंट, देन व्हाट विल हैपन? देन मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन्स would be equals to this formula n2 minus n1,
एन टू माइनस एन वन प्लस वन बाई टू, ये फॉर्मूला वैलिड होगा। तो अगर मेरा एन इक्वल टू फोर से वो एन इक्वल टू वन की तरफ डी एक्साइड कर रहा है तो मैक्सिमम लाइन्स कितनी आई, सिक्स आई, टेकिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज टुगेदर। ठीक है, यहाँ तक तो डिस्कस हो गया, अब चलते हैं केस टू पे। केस टू में क्या है, इफ ओनली टू एटम्स आर प्रेजेंट, इफ ओनली टू एटम्स आर प्रेजेंट देन कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन्स। एमिशन लाइंस कैसे निकाले जाएंगे, अब ये पते की बात है। ये वाला जो सवाल है ना बेटा, अब ये बना है एडवांस लेवल का सवाल और एम्स लेवल का सवाल। यहाँ तक तो चलो ठीक है, ये तो सभी पढ़ाते हैं ना, तो हम कैसे डिस्टिंग्विश हो, हम ऐसे डिस्टिंग्विश हो क्योंकि एडवांस लेवल में क्या पूछा जाता है उसको जानते हैं। अब ये वाली चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉजिक सेट करना है बहुत आसान है भाई, दो एटम्स है और मैक्सिमम लाइन पूछिए, देखो मिनिमम नहीं पूछे, मैक्सिमम पूछे, हमेशा मैक्सिमम ही पूछेंगे, मिनिमम तो वन ही होगा ना, मिनिमम और कुछ हो सकता है, मिनिमम तो वन ही होगा। तो मैक्सिमम लाइन पूछी गई है, दो एटम है, तो मैं ये मान सकती हूँ अगर दोनों एटम एक ही वे फॉलो करेंगे देन तो लाइंस मैक्सिमम नहीं हुई। लाइंस को मैक्सिमाइज कराने के लिए तरीका ये है, ये मानो कि एटम दो वेव्स फॉलो कर रहे हैं और वो दोनों वेव्स जो है मैक्सिमम लाइन दे रहे हैं, तभी मैक्सिमम लाइन हुई ना। तो मेरे पास सामने लिखे चार वेव्स, इन चार वे में ये वे एक लाइन का है, ये वे दो लाइन का है, ये वे तीन लाइन का है, ये वे भी दो लाइन का है। मैं कोई भी दो पाथवेज, कोई भी दो वे सेलेक्ट करूंगी हैविंग द मैक्सिमम लाइंस। तो ऑब्वियसली एक वे तो यही होगा मेरा और एक इन दोनों में से जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपको पसंद है वो तरीका चूज कर लो, मुझे अच्छा लग रहा है मैंने ये मान लिया। तो मैंने दो एटम्स के करस्पॉन्डिंगली दो वेज माने और दोनों वेज मैक्सिमम लाइन के माने। अब सुन लो, एक ही वाली लाइन आएगी, एक ही वाली आएगी, एक ही आएगी और इससे एक ही आएगी, ये वाली तो नहीं आएगी क्योंकि ये दोनों तो एक जैसे सेम है। तो वन टू थ्री फोर मैक्सिमम लाइंस कितनी आई, आई फोर। और इसको निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपको हिट एंड ट्रायल करके वेज पता करके ही निकालने पड़ेंगे। तो आंसर आया कितना, फोर। समझे बात को, सपोज अब मैं यहीं पर कह देती ये टू एटम्स की जगह मैं बोल देती इफ ओनली वन एटम इज देयर, एक एटम के लिए मैक्सिमम लाइंस कितनी आएंगी भाई, एक पाथवे चूज करो मैक्सिमम लाइन का और एक पाथवे मैक्सिमम लाइन का कितना है, तीन, तो आंसर आएगा थ्री। और मैं बोलती इफ ओनली थ्री एटम्स आर देयर, तीन एटम्स है, इसका मतलब क्या हुआ, तीन पाथवे सेलेक्ट करो मैक्सिमम लाइन के, तो एक ही और एक ये वाला सेलेक्ट कर लो, ये भी मैक्सिमम लाइन का है। तो इसके बेसिस पे ये वाला तो एक ही बार लाइन देगा, एक ये होगा डिफरेंट, एक ये होगा, एक ये वाला डिफरेंट होगा, एक ये होगा, तो कितनी आई, एक दो तीन चार पाँच। तो मैक्सिमम लाइंस कितनी आई, फाइव। और अगर मैं बोलती हूँ इफ ओनली फोर एटम्स आर देयर, तो मैक्सिमम लाइंस कितनी आएंगी, तो चारों पाथवे सेलेक्ट करने पड़ेंगे, चाहे वो मैक्सिमम होना हो तो चारों सेलेक्ट करें, तो मैक्सिमम लाइन कितनी बनेगी, छः। अब ये देखो ये और ये सेम नहीं आया, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला जो आप निकालते हो ये मैक्सिमम लाइन के लिए तभी वैलिड है जब आपके पास जितने पॉसिबल वेज हैं एटलीस्ट उतने एटम्स तो हो और उससे ज़्यादा हो, उससे अगर कम है तो नहीं पॉसिबल। मतलब मेरे पास चार वे थे तो अगर एटलीस्ट चार एटम्स होंगे तो चारों सारों एटम एक एक वे ले लेंगे तो मेरा आंसर सिक्स आएगा, या फिर अगर चार एटम से ज़्यादा एटम है तो उनके पास कोई तरीका नहीं है, डुप्लीकेट ही होगी, यही कोई ना कोई इन्हीं में से वे उठाएगा तो छह ही लाइंस बनेंगी एक दूसरे के ऊपर, बस कोइंसाइड होती रहेंगी। बट अगर चार वेज हैं पर मेरे पास एटम चार से कम है, दो तीन एक, तो मेरे को मैक्सिमम लाइन निकालने के लिए पाथवे सेलेक्ट करके हिट एंड ट्रायल से ही वर्क करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट राइट नाउ, नाउ दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रोबेबली आज मैं गिन के बता सकती हूँ कि ये क्वेश्चन जनरली कहाँ पूछे जाते हैं। अगर आप अच्छे एग्जाम्स, अच्छे कोचिंग से एग्जाम्स देंगे, आप एलन का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, आप आकाश का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, आप रेजोनेंस का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, आप अच्छे एग्जाम्स दोगे, अच्छी किताबें सॉल्व करोगे तो अच्छे कॉन्सेप्ट आपको जरूर मिलेंगे, है ना भाई। ये सारी चीज़ें होती है देखने के परस्पेक्टिव पे, है ना, हम जो देखा हमें लगता है यही होता है सही, लेकिन उसके बियॉन्ड भी काफ़ी सारी चीज़ें वो हमें तभी मिलेगा जब हमारा एक्सपोजर सही होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें
हमें करनी है और हमें अपनी बाउंडेशन सेट नहीं करनी कि नहीं हमें इतना ही पढ़ना है. वी हैव टू गो बियॉन्ड बाउंडेशन, तभी हम जो है ना एक्सेल नंबर वन जिसे कहते हैं ना, जिसे कोई बीट नहीं कर सकता, वो वाला बनते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर होगी, ये इंपॉर्टेंट. तो एक बार ट्राई करेगा अपने आप घर पे कि अगर n इक्वल्स टू 5 से इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 1 पे जा रहा है, मैक्सिमम लाइंस बताओ इफ ओनली 3 एटम्स आर देयर. तो अगर 3 ही एटम है तो मैक्सिमम लाइन पता करके बताओ कि कितनी होगी. ठीक है, तो और इनफिनाइट है तो आप निकाल ही सकते हो भाई, 5 माइनस 1 5 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 स्ट्रेट अवे, है ना. तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन को जो है प्रोसीड करेंगे. बोली बात क्लियर हो गई. चलिए अब एक बहुत ही अच्छा काम करते हैं, मतलब थोड़े इंटरेस्टिंग वर्क करते हैं. मैं n इक्वल्स टू 5 से ही ट्रांजिशन करना सिखाती हूँ आपको. 5 वाला चलो मैंने घर पे दिया, आपको n इक्वल्स टू 6 से मैं ट्रांजिशन करना सिखा रही हूँ. या लेट्स से और ऊपर चलते हैं, n इक्वल्स टू 8 से n इक्वल्स टू 1 की ट्रांजिशन कर रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे छोटे 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 से काफी सारे लेवल्स हो गए हमारे पास ऊपर की तरफ. n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, 4, 5, 6, 7, 8, n इक्वल्स टू 8, यहां तक पहुंच गए. जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 पे आ रहा है, मैक्सिमम लाइंस निकालो, एमिशन लाइंस. तो हमने फॉर्मूला लगा दिया 8 माइनस 1 इंटू 8 बाई 2, यही हो गया आपका. तो आपका हो गया यहाँ से 4 गया, तो ये 7 इंटू 4 28, तो मैक्सिमम कितनी लाइंस आएंगी, 28. ठीक है, बहुत बढ़िया. अब मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है बेटा. मैं पूछ रही हूँ जब मेरा इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 8 से n इक्वल टू 1 पे आ रहा है, हाउ मैनी lines in Lyman series, how many lines in Balmer series, ये सब पता करना है etc. ठीक है, पर इनके लिए मैं पहले ये बता दूँ आपको कि Lyman Balmer partition चीज़ें है क्या, ज़रा एक बार recall कर लेते हैं. ठीक है, मेरा इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 8 से n इक्वल्स टू 1 पर आ रहा है. ठीक है, मैंने बोला डी एक्साइटेशन का प्रोसेस बेटा सर्टेन नहीं है. सर्टेन नहीं है का क्या मतलब है, मेरा इलेक्ट्रॉन जब 8 से 1 की तरफ आ रहा है वो कौन से एनर्जी लेवल पे पॉज कर रहा है और वहाँ से दोबारा से आपका एमिट हो रहा है, मतलब डी एक्साइट हो रहा है, मुझे नहीं मालूम. कौन सा वे फॉलो कर रहा है मुझे नहीं मालूम. तो मैं अपने दिमाग में ज़रा कुछ कुछ चीज़ें अगर सोचूं, मैं सारे वेज नहीं बना रही क्योंकि टाइम लगेगा. अगर हम सोचें तो ऐसा हो सकता है कि वो 8 से 1 पर आए डायरेक्टली, कहीं पॉज ही ना ले बीच में. ऐसा हो सकता है कि वो 7 पे पॉज ले, हो सकता है 6 पे पॉज ले, हो सकता है 5 पे पॉज ले फिर वापस गिरे. और ऐसा भी हो सकता है 7 पे भी ले, 6 पे भी ले, 4 पे भी ले, 3 पे भी ले, 2 पे भी ले, 1 पे भी ले, मतलब आई कैन हैव एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज. ठीक है, तो वही एग्जांपल वापस से करते हैं भाई. बच्चा जो है सीधा ट्यूशन के लिए लेट हो रहा था, तो सीधा घर से ट्यूशन आया, जो आपका आपका प्रोसेस है ये आपका सर्टेन है, क्योंकि वो कहीं रुकेगा ही नहीं क्योंकि लेट हो रहा है, और पहुँचेगा नहीं तो क्लास से बाहर निकाल देंगे, घर पर फ़ोन चला जाएगा, है ना. तो ये मम्मी पापा के लिए जो एक चीज़ है ना, ये सर्टेन है कि नहीं अभी इस टाइम पे मैं निश्चिंत होकर बैठ जाता हूँ, हाँ मेरा बच्चा सीधा ट्यूशन ही गया. लेकिन ये चीज़ अनसर्टेन है कि वो क्या ट्यूशन से घर सीधा आया है या कहीं रुक रुक कर आया है. हो सकता है मैम ने 5 मिनट क्लास जल्दी छोड़ दिया, 5 मिनट सोचा मोना मोमोज खा लें या कुछ भी xyz. तो ये चीज़ चेक करने के लिए कि उसने कहाँ कहाँ स्टॉपेज लिया है, ठीक है, कितने डिफरेंट तरीकों से वो घर आ रहा हो सकता है, कहीं स्टॉपेज ही ना रहा हो, घूम फान के ऐसे मोहित नगर से घूम फिर के फिर जा रहा है, ISBT घूम फिर के जा रहा है घर, कैसे भी जा रहा है ना. तो आपके मम्मी पापा ने क्या किया है, हर रास्ते में जितने भी हॉटस्पॉट्स हैं उन हॉटस्पॉट्स पे अपना एक सीक्रेट बंदा खड़ा कर दिया है, क्या मेरे बेटे की अगर बाइक रुके तो मुझे बता दियो. ठीक है, यही काम हम यहाँ करने वाले हैं. कैसे, मुझे नहीं पता कि मेरा इलेक्ट्रॉन किस कितनी तरीकों से आएगा, मेरे को तो बस इतना पता 28 डिफरेंट लाइंस देगा. तरीके कितने हैं वो तो मुझे निकालने ही पड़ेंगे हिट एंड ट्रायल करके. तो मैंने क्या किया, जो जो स्पॉट्स हैं, जैसे 7 वाला एक स्पॉट पे रुक सकता है, ऐसा तो है नहीं कि 7 और 8 के बीच में कहीं टहलेगा,
है ना, ऐसा नहीं होगा, किसी लेवल पे ही रुकेगा। तो 8th से वो 7 पे मैंने एक बंदा खड़ा कर दिया, 6 पे, 5 पे, 4 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे, सब जगह एक एक बंदा खड़ा कर दिया, जो बस ये पता कर रहा है कि मेरा बच्चा डेली कौन से स्टॉपेज लेता है। जैसे सपोज मेरा इलेक्ट्रॉन एन इक्वल टू 8 से 1 की तरफ आ रहा है, तो हो सकता है वो कई स्टॉपेज ही ना रहे, सीधा 1 पे गिरे, तो 1 वाला बंदा रिपोर्ट करेगा कि वो कई स्टॉपेज नहीं लिया, वो सीधा 1 पे गिरा है। पर जो 1 पे आया है वो सिर्फ यही रिपोर्ट कर रहा है कि वो 1 पे आया है, वो ये नहीं बता पा रहा कि वो सीधा 1 पर आया कहीं से 1 पर आया, क्यों? क्योंकि उसको तो यहाँ खड़ा कर दिया ना भाई, मैंने एक बंदे को सोचो खड़ा कर दिया आसपास कोई मान लेता खोपचे पे, ठीक है, खोपचे मोमोज वाले पे खड़ा कर दिया मैंने, ठीक है, एक को मैंने 8 मोमोज पे खड़ा कर दिया, एक को मैंने कहीं और खड़ा कर दिया। अब मेरा ट्यूशन दूर है बल्लूपुर चौक से, जब बच्चा आ रहा है तो वो खोपचे पे रुका, तो खोपचे वाले ने कहा हाँ बेटा मम्मी आपका ये जो है ना बच्चा यहाँ रुक गया है, खोपचे पे रुक गया है, पर उसे ये नहीं पता ना क्या हो सकता बीच में भी रुका हो कहीं, वो नहीं पता, बस हाँ खोपचे पे रुका, मतलब जहाँ वो स्टॉपेज ले रहा है ना अपन को ये पता है। तो जो मैंने 1 पे खड़ा करा वो ये सिर्फ देख रहा है कि कितने जो है इलेक्ट्रॉन्स सीधा 1 पे गिर रहे हैं, जो मैंने 2 पे खड़ा किया वो सिर्फ ये देख रहा है मेरे कितने इलेक्ट्रॉन सीधा 2 पे गिर रहे हैं, जो 3 पे मैंने खड़ा किया वो सिर्फ ये देख रहा है मेरे इलेक्ट्रॉन कितने सीधा 3 पे गिर रहे हैं, जो मैंने 4 पे खड़ा किया वो सिर्फ ये देख रहा है 4 पे कितने गिर रहे हैं, और मेरे पास तो इन्फिनाइट एटम्स है, तो हो सकता है कि हजार के हजार सीधा 1 पे गिरे, हो सकता है उसमें से 2000 जो है पहले 2 पे गिरे और फिर 2 से 1 पे जाएं, ठीक है, इस तरीके से पॉसिबल है। तो मैं कुछ बोल रही हूँ, लेट्स से कुछ ऐसे आ गए जो 1 पे गिरे, कई ऐसे थे जो सीधा सीधा किस पे गिरे, 2 पे गिरे फिर 2 से 1 पर आएंगे, कई ऐसे जो 3 पे गिरे फिर 3 से 1 पे आएंगे, एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करी है ना। तो हमने सीरीज बना ली, कैसे सीरीज बना ली मैं बताती हूँ, फिर इस पर आती हूँ। हमने सीरीज बना ली लाइमन के नाम से, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज कौन है? लाइमन सीरीज वो बंदा है जो 1 पे खड़ा है, और वो कह रहा है कि किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, यानी किसी भी हायर एनर्जी लेवल से मेरा इलेक्ट्रॉन अगर 1 पर डायरेक्ट आ रहा है तो लाइमन रिपोर्ट करेगा किसी से भी। तो n का वैल्यू इधर क्या हो सकता है, n2 का वैल्यू क्या हो सकता है, 2 से आए, 3 से आए, 4 से आए, 5 से आए, इन्फिनिटी से आए, 8 से आए, कहाँ से भी आए, अगर 1 पर आ रहा है तो वो लाइमन सीरीज गिनेगा। फिर बाल्मर सीरीज क्या करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से 2 पे पॉज ले रहे हैं उनको गिनेंगे, तो n2 का वैल्यू यहाँ पे हो सकता है 3, 4, 5, 6 इन्फिनाइट। फिर पास्टन वाले जो होंगे 1 = 2 से अगर n = 3 पर आ रहा है उसको गिनेंगे, और n2 का वैल्यू है 4, 5, 6। ब्रैकेट वाले जो हैं वो गिनेंगे कितने इलेक्ट्रॉन n = 4 पे गिर रहे हैं, और n2 का वैल्यू जो है वो 5, 6, 7, 8 देंगे। गिनेंगे कि कितने 5 पर आ रहे हैं, और n2 का वैल्यू जो है 6, 7, 8 होगा। फिर सॉरी पैस्टन लिख दिया, पी फंड वाले, और फिर आएंगे हम्फ्री वाले जो कहेंगे कितने जो है सीधा n = 1 से n = 6 पे गिर रहे हैं, और n2 का वैल्यू 7, 8, 9 होगा, लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास सीरीज होगी। अब सवाल आता है मैम हम्फ्री क्यों, आगे क्यों नहीं, ऑफकोर्स हो सकता है कोई एक्स वाई जेड, बट ये है ये साइंटिस्टों के नेम है जिन्होंने ऑब्जर्व किया तो उनके नाम पे हमने सीरीज लिख दिया। अगर तो हम भी कुछ इन्वेंट करेंगे, सपोज मैंने इन्वेंट कर लिया तो एक और सीरीज बना देंगे भावना सीरीज, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इलेक्ट्रॉन 6 पे गिरेगा, वो 7 पे भी आ सकता है, 8 पे भी आ सकता है, और अलग अलग सीरीज इसके लिए हो सकती है ना। तो बस ये नाम है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैशन सिर्फ नाम है, ऐसा जिनका वो कुछ वो नहीं है, समझ गए बात को। तो ये हो गई। अब जैसे मैंने आपको यही समझाने के लिए कहा था, अभी तो n = 8 वाला मैंने लिया ना, अब n = 8 में 28 लाइनें मैक्सिमम आपके पास आ रही है, उसमें से कितनी लाइमन है, कितने बाल्मर है, कितने पास्टन है, वो उसे पता करना है। ये जो 28 है ये तो टोटल लाइन्स है, जिसमें लाइमन की भी होंगी, मतलब जो 1 पे गिर रहे हैं उन वो वाले भी काउंट करे होंगे, 2 वाले भी करे होंगे, मतलब वो टोटल लाइन्स है। तो अगर स्पेसिफिकली ये पूछा जाए कि लाइमन की लाइन्स बताओ खाली, तो लाइमन में लाइंस कैसे निकाली जाती है, जो भी आपका हाई एनर्जी लेवल है n2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। बाल्मर की लाइंस कैसे निकाली जाती है, जो भी हाई एनर्जी लेवल है उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। पास्टन की लाइंस कैसे निकाली जाती है, जितना भी हाई एनर्जी लेवल है उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ब्रैकेट की लाइन कैसे निकाली जाती है, एन टू में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो। पी फंड की कैसे निकाली जाएगी, एन टू में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो। हम्फ्री की कैसे निकाली जाएगी, n2 में से 6 से सब्ट्रैक्ट कर दो।
और अगर हमफ्री ना आके जरूरत नहीं है सिक्स पे, जैसे मैंने एन इक्वल्स टू एट पे दिया तो सेवन पे भी पॉज हो सकता है ना, तो सेवन वाला लेट से मैंने मान लिया एक्स लाइन, मेरे पास उसका रिपोर्टेड नाम नहीं है बट लाइन एग्जिस्ट कर सकते हैं, दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से यू, तो एन टू में से सेवन को सब्ट्रैक्ट कर दो, समझ लो ये लाइन्स होती है जो स्पेसिफिकली लाइमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट पीफर हेम्फ्री इन सब की होती है, और वो कुल मिला के आपके पास कितनी आनी चाहिए बेटा 28 आनी चाहिए, ये पॉइंट है। आपको बात क्लियर हुई? इस तरीके से ही जो है आपको वर्क करना होता है, ठीक है। तो अगर सपोज इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में मेरा इलेक्ट्रॉन एन इक्वल्स टू 8 से एन इक्वल्स टू 1 पर आ रहा है और मुझसे पूछ लिया जाए कि कितनी लाइन लाइमन की आ रही है, तो मैं बोलूंगी 8 में से हाई एनर्जी में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो 7। कितनी लाइन बाल्मर की आ रही है, बोलूंगी 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो 6। कितनी ब्रैकेट आपका पैस्टन में आ रही है, 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो 5। कितनी आपकी उसमें आ रही है, ब्रैकेट में आ रही है, तो 8 में से सब्ट्रैक्ट करो 4 को 4। कितनी पी फंड में आ रही है, 8 में सब्ट्रैक्ट करो 3 को 5, सॉरी 5 को 3। हमफ्री में कितनी आ रही है, 8 में से सब्ट्रैक्ट करा 6। और x जो मैंने माना है उसमें कितनी आ रही है, 8 में सब्ट्रैक्ट करा 7। 1 समझे बात को? तो इस हिसाब से आपको जो है वो वर्क करना होता है। अब जरा इन सबको टोटल करके देख लो कितना आया, है ना। इन सबको अगर आप टोटल करोगे तो ये आपका हुआ, एक तरीके से मैं ले लेती हूँ 5 और ये 5 10, 10 ये 7 17, ये 18, 18 प्लस 4 18, 19 20 21 22, 22 और 6 28। देखो 28 नहीं बना, वही मैक्सिमम लाइन सब, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपसे लाइमन बाल्मर पाशन की पूछी जाए, देखो मैंने कई बच्चों को ये गलती करते हुए देखा है, उनसे पूछी जा रही है भाई एन इक्वल्स टू 8 से एन इक्वल्स टू 1 पे ट्रांजिशन कर रहा है, लेकिन मुझे बताओ कितनी लाइन बाल्मर की आ रही है, तो कहते हैं बाल्मर के लिए तो एन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, तो आप 8 से 2 की लाइन बता देते, ये गलत है भाई। बाल्मर में लाइन सिर्फ 6 आ रही है, अगर आप 8 से 2 मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें बच्चे क्या कर देते हैं 8 और 2 कि ये बाल्मर की होगी, मैडम नहीं, ये टोटल लाइंस है 8 और 2 के बीच की, सिर्फ बाल्मर की नहीं है, उन 8 से 2 के बीच में कितनी पैस्टन भी है, कितनी ब्रैकेट भी है, समझ रहे हो? तो ऐसे नहीं करना, अगर खाली लाइमन बाल्मर पैस्टन की पूछ रहे हैं तो इस तरीके से करना है, मतलब लाइमन की पूछ रहे तो 1 सब्ट्रैक्ट करो बाल्मर की इस तरीके से। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? नाउ एक चीज और करना, गलती ये सब बकवास गलती मत करना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने बोला कि मेरा इलेक्ट्रॉन एन इक्वल्स टू 6 से एन इक्वल्स टू 2 पे ट्रांजिशन कर रहा है और मैं पूछ रही हूँ लाइमन की लाइंस बताओ, तो आप कहेंगे हाँ मैम लाइमन की लाइंस होंगी 6 - 1 - 5। गलत भाई, जब वो ट्रांजिशन ही 6 से 2 पे कर रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 6 से 2 पे गिर रहा, तो 1 पे रिपोर्ट 1 पे गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा। मैंने पूछा ही यही है कि 6 से 2 की ट्रांजिशन लाइमन 0, तो थोड़ा सा ये नहीं कि फॉर्मूला रट रहे दिमाग भी यूज करेंगे, लाइमन नहीं आ पाएगा इसमें, दैट्स नॉट पॉसिबल। लाइमन कैसे आएगा? लाइमन तो तब होता है जब डायरेक्ट 1 पे गिर रहा। मैं तो कह रही हूँ 6 से 2 के बीच की लाइंस बताओ, 6 से 2 के बीच में कोई लाइमन होगा क्या? नहीं होगा, है ना। 6 से 2 के बीच में बाल्मर बताओ, हाँ वो होगा, बाल्मर होगा, ठीक है। अब ये बोलो मैडम ये तो खुद ही बाल्मर है, ये बाल्मर नहीं है, ये 6 से 2 के बीच के मैक्सिमम लाइंस है। बाल्मर वाला मतलब, बाल्मर का मतलब, लाइमन का मतलब कितनी लाइंस बाल्मर रिपोर्ट करने वाला। बाल्मर एक बंदा है, वो एन इक्वल्स टू 2 पे खड़ा है, वो रिपोर्ट कर रहा है कि कितने एन इक्वल्स टू 2 पे डायरेक्ट आ रहे हैं, उससे ऊपर क्या कर रहे हैं वो नहीं, समझ रहे हो? तो अगर 6 से सपोज 2 पर गिर रहे हो तो ये वाली लाइन भी 6 से 2 में गिनी जाएंगी ना, लेकिन बाल्मर तो सिर्फ यही वाली रिपोर्ट करेगा, पैस्टन ये वाली करेगा, ब्रैकेट ये वाली करेगा, पीफंड ये वाली करेगा। दैट्स हाउ यू हैव टू एनालाइज द थिंग, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी आराम से स्पेक्ट्रा की, स्पेक्ट्रा क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एमिशन लाइंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एमिशन लाइंस के पीछे बैकग्राउंड क्या है, लाइमन बाल्मर पाशन सीरीज जबरदस्ती क्यों घुसा दिए गया है, क्या जरूरत है इनकी, और लाइमन के अलग से लाइंस, बाल्मर के अलग से लाइंस, पाशन के अलग से लाइंस कैसे निकाली जा सकती है, ठीक है। इतनी डिटेल के बाद एमिशन लाइंस में कभी कोई गलती नहीं करनी, एमिशन लाइंस हमेशा आपको सही निकालनी है, ठीक है। बात क्लियर हुई? चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं, लाइमन बाल्मर पाशन को थोड़ा और अच्छे से जो है स्टडी करते हैं, आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब मैंने आपको बोला मैं स्टडी करवा रही हूँ बेटा आपसे लाइमन सीरीज, मैंने आपको
हमेशा एक चीज बोली है कि इलेक्ट्रॉन जो है जब डीएक्साइट करेगा एक्साइट करेगा जो वो एनर्जी एमिट करेगा एच न्यू, वो हमेशा एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स होगा। तो अगर एन टू से वो एन वन पे ट्रांजिशन कर रहा है तो वो एनर्जी एमिट करेगा जो एनर्जी लेवल है बिटवीन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल, दैट्स हाउ वी डू इट। तो अगर मेरा लाइमिन सीरीज है, मेरा इलेक्ट्रॉन जो है एन इक्वल्स टू टू से कहीं से भी किसी भी एन इक्वल्स टू टू से वो कहाँ गिरता है, वन पे गिरता है, और एन टू की वैल्यू यहाँ पे टू थ्री फोर कुछ भी हो सकती है एक्सेट्रा, वो वन पे गिरता है। मतलब जब ये ट्रांजिशंस हो रही हैं लाइमन में, ये चीज़ मैं क्या कर दूंगी बेटा, फिक्स कर दूंगी और इस पे मेरा कोई कंस्ट्रेन नहीं होगा, ये मेरा कुछ भी हो सकता है, बट एन वन को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट वन पे गिर रहा है, मतलब कहीं से भी, मैं ये नहीं कह रही किसी एट से या फाइव से, किसी भी लेवल से डायरेक्ट वन पे गिरेगा तो लाइमन है। मतलब किसी भी लेवल से वन पे गिरना वाला मतलब क्या हो गया, किसी भी लेवल से अगर वो वन पे गिर रहा है, चाहे इधर से 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 गिर रहा है, चाहे इनफिनाइट किसी भी लेवल से अगर यहाँ गिर रहा है, तो ये वाली सारी सीरीज मेरी लाइमन बनी। ये वाला सब कुछ कौन रिपोर्ट करने वाला है, लाइमन बंदा रिपोर्ट करने वाला है, ठीक है। बट लाइमन में जो एनर्जी होगी एच न्यू वो अब हो जाएगी ई एन टू माइनस ई वन, क्योंकि मैंने वन फिक्स कर दिया इसके लिए, है ना। तो अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला जरा डिराइव करूँ तो इसको लिख सकते हो एच सी अपॉन लैम्डा और ई को लिख सकते हो माइनस 13.6 ईवी। तो एक काम करते हैं, पहले वन को बाद में लिखते हैं, जनरल फॉर्मूला मैं आपको पहले बता देती हूँ, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 ईवी इनटू जेड स्क्वायर बाय एन टू का स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस 13.6 ईवी इनटू जेड स्क्वायर अपॉन एन वन का स्क्वायर हो जाएगा ये। एच सी अपॉन लैम्डा अपना बना माइनस 13.6, ईवी को बाहर ले लेते ज़रा, तो 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन वन का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर हो गया, और एच सी अपॉन लैम्डा को ज़रा ऐसे लिख देते 13.6 ईवी इंटू 1 अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर हो गया, माइनस अंदर ले लिया, है ना। इस ईवी को ज़रा जूल्स में कन्वर्ट करते हैं, और क्योंकि एच का वैल्यू तो हमें पता है जूल्स में होता है, तो 13.6 ईवी को जूल्स में कन्वर्ट कर दिया, 10^-9 जूल्स डिवाइडेड बाय एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10^-34 इंटू सी का वैल्यू 3 इंटू 10^8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो भी वैल्यूज है वो हमने यहाँ ली, ये जो बेटा बनता है वैल्यू इसको बोलते हैं रेडबर्ग्स कॉन्स्टेंट आरएच। तो ये फॉर्मूला अगर मुझे वेवलेंथ निकालनी है डायरेक्टली तो मैं इस फॉर्मूले को क्या कर सकती हूँ बच्चे, यूज कर सकती हूँ, ठीक है। नाउ इस रेडबर्ग कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, देखिए स्कूल के लिए मैं पहले बता दूँ, स्कूल के लिए आपको रेडबर्ग कांस्टेंट का जो वैल्यू दिया जाता है वो 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। तो क्या करते हैं इसको 10^ मीटर को ना करके सेंटीमीटर में करते हैं, 1 मीटर को सेंटीमीटर होता है ना, तो इसको 10^10 ले लेते हैं वो लोग, इस वजह से वैल्यू ये आती है मेरी सेंटीमीटर इनवर्स में। बट दिस इज अ बिग 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 नंबर, ऑफकोर्स आई कैन नॉट यूज दैट नंबर इतनी आसानी से, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना और अगर लैम्डा निकालना है तो इस नंबर का रिवर्स भी करना पड़ेगा, तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। लेकिन स्कूल में आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको यही इस्तेमाल करनी ही करनी है, यू हैव नो अदर चॉइस, यू हैव टू डू कैलकुलेशन, ठीक है। अब हम लोग ज़रा कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहे, तो मैं क्या करूँगी, ज़रा देखो इसे, इसको मैं कर देती हूँ, देखो कैसे 1, 2, 3, 4, 5 तो 1.09677 इंटू 10^5 सेंटीमीटर इन्वर्स कर सकती हूँ। और अगर मैं मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशनशिप निकालूं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है बच्चे, तो 1 सेंटीमीटर जो होगा वो 1/10^-2 मीटर होगा, और 1 सेंटीमीटर इन्वर्स जो होगा वो 10^2 मीटर इन्वर्स हो जाएगा फिर। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1.09677 इंटू 10^7 मीटर इनवर्स, और फिर इसको अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ये 1 को मैं इसको 1.09 को 1 ले सकती हूँ ना अप्रॉक्सीमेटली, तो 1 को लेकर 10^7 मीटर इनवर्स लूँ उसको। तो मैं ये वाला यूज़ करूँगी फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम, दैट मीन्स फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप 1.1 भी मत लो क्योंकि वो आपकी कैलकुलेशन को बढ़ाएगा, आप सिर्फ इसे 10^7 लो, ठीक है। 10^7 मीटर इनवर्स इस रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, कंपटीशन के लिए 10^7 लेंगे, स्कूल के लिए ये लेंगे, और इस से हम सारे की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम लाइमन में आए बच्चे,
तो लाइमेन के लिए फॉर्मूला यही है 1/7, इसको 10^7 मीटर इनवर्स कर देते हैं, 1/N1² माइनस 1/N2² आ रहा, बट N1 यहाँ फिक्स है, कितना 1, तो 1/1 माइनस (N2Z²) हो जाएगा फॉर्मूला, हाँ है ना, ठीक है। अब मैं इसे दो एक्सट्रीम्स में डिवाइड कर रही हूँ, एक जब N2 का वैल्यू 2 हो और इलेक्ट्रॉन 2 से 1 की तरफ आए, और एक जब N2 का वैल्यू इन्फिनाइट हो और इन्फिनाइट से इलेक्ट्रॉन 1 की तरफ आए। तो एक मैंने लिया, जो मैंने भी डायग्राम बनाया उसमें देखा कि 2 से जस्ट 1 आए और एक बार जब इन्फिनाइट से 1 आए, तो जब 2 से 1 आएगा तो एनर्जी मिनिमम देगा, जब एनर्जी मिनिमम होती है तो वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम। तो यहाँ से मैं निकालूंगी मैक्सिमम वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम एनर्जी, और जब इन्फिनिटी से 1 आएगा तो मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम वेवलेंथ होगी। तो मैक्सिमम वेवलेंथ ये, मिनिमम वेवलेंथ ये। तो एक बार अगर मैंने N2 को इन्फिनिटी लग दिया तो 1/λ हो गया 10^7, 1 माइनस ये 1/∞×Z² और मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रही हूँ तो Z को 1 ले लेती हूँ, और 1/∞ बेटा क्या होता है 0, तो 10^7 ये हो गया मीटर इनवर्स। तो लैम्डा का वैल्यू आया 10^-7 मीटर्स, जिसको मैं लिख सकती हूँ एक तरीके से, आप देखिए 100 नैनोमीटर्स, 10^-2 बाय -2 करेंगे 100 नैनोमीटर्स। तो मिनिमम वेवलेंथ कितनी हुई 100 नैनोमीटर्स, और मैक्सिमम वेवलेंथ क्या देगा, जब आप क्या करोगे ध्यान से सुनना, आप 1 - 1/ क्या कर दे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 बेटा (N2Z²). तो ये हुआ 1/λ = 10^7, 1 - 1/4 इज 3/4, (N2Z) का वैल्यू 1 ही ले लेते हैं बेटा हम, तो लैम्डा का वैल्यू आया 4/3×10^-7, तो 4/3 अप्रॉक्सीमेटली मेरा कितना बना 1.3 के आसपास, तो 1.3 मतलब 133 नैनोमीटर के आसपास ही बन गया। तो ये मैंने क्यों करवाया आपसे, ये मैंने इसलिए कराया कि आपको ये पता होना चाहिए, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी एटम जिसमें मेरा हायर टॉप एनर्जी लेवल मैंने फिक्स नहीं करा है, ठीक है, वो 8 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं टॉप एनर्जी लेवल फिक्स नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की एमिशन को स्टडी कर रही हूँ विदाउट फिक्सिंग द टॉप एनर्जी लेवल। तो लाइमन सीरीज में जितनी भी लाइन्स गिरेंगी, मतलब लाइमन वाला बंदा जो भी लाइन्स रिपोर्ट करेगा, उन लाइंस की एटलीस्ट मिनिमम वेवलेंथ 100 नैनोमीटर होगी और मैक्सिमम वेवलेंथ अराउंड 133 नैनोमीटर होगी, समझ रहे हो, मतलब इतने ही वेवलेंथ, इसी रेंज की वेवलेंथ ऑफ लाइट चाहे किसी भी एटम की हो, मतलब किसी भी एटम इन द सेंस Z=1 ही हो, बट किसी भी हाई एनर्जी लेवल पे एटम का मेरा इलेक्ट्रॉन बैठा हो, बट उसकी जो वेवलेंथ है वो 100 से 133 नैनोमीटर की रेंज के बीच के जो भी वेवलेंथ हुई, चाहे 120 हुई, चाहे 110 हुई, वो सारी की सारी बाय डिफॉल्ट आपकी क्या बनेगी, लाइमन। अब ये आपके क्वेश्चन को कितना आसान कर देता है, सोचो सवाल दिया होता कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन है जो ट्रांजिशन कर रहा है N2 से N1 की तरफ, और लाइमन में उसकी मतलब 1 की तरफ, और उस लाइमन में लाइन जो दे रहा है वो 120 नैनोमीटर की दे रहा है, N2 निकालो, तो आप स्कूल में क्या करोगे, इस फॉर्मूले में N2 निकालना है, लाइमन का पूछा N1 को 1 कर दोगे, लैम्डा आपको दे रखा है 120 नैनोमीटर, और यहाँ से कैलकुलेशन करके जो है N2 निकालोगे, सोचो कितना मुश्किल काम है, ये है या नहीं मुश्किल। या फिर ये बोल दिया जाए, जैसे एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आता है, एंट्रेंस में ये आता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन जो है किसी पर्टिकुलर N2 लेट्स से 7 से 1 की तरफ आ रहा है, बट जो वो वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिट कर रहा है वो 120 नैनोमीटर है, बताओ ये कौन सी सीरीज है ना। तो अब आपका काम बड़ा आसान हो गया, चाहे हाइड्रोजन एटम में अगर 100 से 133 अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा क्योंकि मैंने अप्रॉक्सीमेशन लिया, सारी की सारी वेवलेंथ ऑफ लाइट मेरी किस में गिरेगी, वो लाइमन में गिरेगी। इसका मतलब लाइमन जो है बच्चे वो यूवी रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसको करस्पॉन्ड करता है, उसके अंदर लाइन देता है, ठीक है। तो लाइमन जो है कि जो लाइन्स होती है वो यूवी रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में होती है, और यही काम अगर हम बाल्मर में करेंगे, बाल्मर सीरीज में करेंगे, तो मैं N2 को 2 तक ले जा रही हूँ और N2 का वैल्यू मैं कुछ भी रख रही हूँ 3, 4, 5, 6 ऐसे एक्सेट्रा करके, ठीक है। और
यहाँ पे मैं 1/λ = 10^7 1/(n1)² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1/(n2)² इंटू z² मैंने 1 रख दिया हाइड्रोजन एटम है। इसके लिए फिर से दो केसेस बना रही हूँ, मिनिमम वेवलेंथ एंड मैक्सिमम वेवलेंथ। तो अगर मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी, मतलब आप 3 से 2 पे गिरोगे, और मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी मतलब इन्फिनाइट से 2 पे गिरोगे। यही हुआ, निकालो इसके लिए रेंज। तो 1/λ = 10^7 1/4 माइनस 1/∞ हो गया, तो 1/∞ 0 होता है, तो 1/7 हो गया 10^7 इंटू 1/4 मतलब लैम्डा का वैल्यू हो गया 4 × 10^-7 मीटर्स, तो विच आई कैन राइट एज 400 नैनोमीटर्स। हाँ या ना, इधर करेंगे तो 1/λ हो जाएगा 10^7 1/4 माइनस 1/9, तो ये हुआ मेरा 36, ये हुआ 9 माइनस 4 मतलब 5/36, तो 1/λ का वैल्यू आया 36/5 इंटू 10^7 मीटर इनवर्स, तो 1/λ का वैल्यू ये हो गया, मतलब ये तो लैम्डा हो गया क्योंकि मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, तो लैम्डा हो गया मेरा 36/5 बना 7.2 के आसपास, तो 7.2 के आसपास बैठा कुछ इंटू 10^7, इसको मैं लिख सकती हूँ अप्रॉक्सीमेटली 720 नैनोमीटर्स। तो आप देखो 100 से 133 नैनोमीटर्स के बीच की सारी ट्रांजिशंस जो हैं वो लाइमेन के कोरिस्पॉन्ड कर रही हैं, 400 से 720 जो कि एक्चुअली विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, और वो सारी की सारी बाल्मर में आ रही है। इसका मतलब 133 से ऊपर की वेवलेंथ और 400 से नीचे की वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंगली कोई लाइन हमें स्पेक्ट्रा में नहीं मिलती है, समझे? तो अगर मैंने आपको ये बोल दिया कि इज दिस पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट पॉसिबल टू गेट इन द स्पेक्ट्रा, नो, अगर वो वेवलेंथ की लाइट 133 से ऊपर है और 400 के बीच में, इसलिए आपको हर ट्रांजिशन की मिनिमम मैक्सिमम पता होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि उनके बीच में ऐसा नहीं कि लाइमन के बाद लाइमन की वेवलेंथ जो है उसके बाद से बाल्मर की शुरू होगी, नो, देयर इज अ गैप, एंड इस गैप की वजह से ही डिसकंटिन्यूटी आई है मेरे स्पेक्ट्रम में, मेरा डिसकंटिन्यूअस हो गया स्पेक्ट्रा। क्वांटाइजेशन का प्रोसेस इसी को ही बोलते हैं कि स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट ही एमिट होगी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वाली चीज़ यहीं पे वैलिड हो रही है, समझ रहे बात को? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब आप ऐसे ही बाकी सबका भी हालांकि देख सकते हैं, पैस्टन ब्रैकेट पीफन आप अपने हिसाब से, लेकिन जनरली आपको अगर आप ये दो भी याद रखते तो आपका काम बन जाता है। बाकी के लिए आप बस इतना याद रखिए कि पैस्टन ऑनवर्ड्स जितनी भी ट्रांजिशंस होती है वो सारी इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा में मुझे नजर आती है। बात क्लियर हुई? चलिए, काफ़ी सारी डिटेल आप लोगों ने यहाँ समझ ली है ना। अब मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ, देखिए क्या बड़ा इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन भी हमारे लिए, और वो है कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किए थे बेटा, उस एक्सपेरिमेंट में मतलब वो तो मैंने चलो एक एविडे आपसे एक एग्जांपल लेके बोल दिया था कि इंडिगो की लाइट मिस है, ये वाली लाइट मिस है, ये वाली दिखी है ना, एग्जांपल ले लिया था। लेकिन कभी भी अगर आप लैब में जाके जब स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करते हो ना बेटा, कभी भी आपको एमिशन स्पेक्ट्रा में जो लाइन्स दिखती है वो हमेशा काफ़ी कम होती है, मतलब 3, 4, 5 मैक्सिमम, सातों के सातों लाइन तो नहीं दिख सकते, सात के सात कलर नहीं दिख सकते। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्योंकि आप व्हाइट लाइट यूज़ करते हो, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, 7 वेवलेंथ ऑफ लाइट होती हैं, लेकिन जब आप एमिशन स्पेक्ट्रा करते हो तो 7 से कम वेवलेंथ ऑफ लाइट ही मिलती है ना, मतलब जो एब्जॉर्ब हुई होंगी सिर्फ वही मिलेंगी, सातों के सातों नहीं मिलेंगी। बट यहाँ तो आप कहोगे मैडम आप तो एमिशन लाइन्स जो निकाल रहे हो वो तो 28 भी निकाल रहे हो, और आगे ऊपर जाएंगे तो 50 लाइन्स भी हो सकती है, 100 लाइन्स भी हो सकती है, इतनी सारी लाइन्स होती है, स्पेक्ट्रा में 4 कलर दिख रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? क्योंकि लाइन्स का होना और लाइन्स के दिखने में फर्क है। लाइन्स होती हैं, मुझे नहीं दिखती, क्यों? क्योंकि मेरी आई सेंसिटिव है सिर्फ विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के लिए। तो यहाँ आया कैच, सवाल आया n = 5 से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है n = 1 में, हाउ, क्वेश्चन है हाउ मेनी मैक्सिमम लाइन्स बनेंगे और हाउ मेनी मैक्सिमम लाइन्स वी कैन सी, वी कैन सी और ऑब्जर्व। अब इन दोनों में फर्क है बेटा, क्योंकि मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूंगी वो लाइन्स जो
मेरी बाल्बर रीजन को करस्पॉन्ड कर रही हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ बाल्मर की लाइंस ही विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा को बिलोंग करती है, वही मैं कलर्स देख पाती हूँ। मैं ना यूवी की लाइट्स देख सकती हूँ, ना लाइमन, ना पास्टर, ना ब्रैकेट, ना ही उनके आगे कोई लाइंस होंगी पर मुझे नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम लाइंस पूछा जाए तो 5 से 1 का ट्रांजिशन है, तो आप निकाल लीजिए 5 × 4/2 कर दीजिए, n × n-1/2, तो आपको बोल देगा 10 लाइंस टोटल होंगी, लेकिन दिखेंगे कितनी? सिर्फ बाल्मर की। तो इस केस में आपको सिर्फ बाल्मर की लाइंस निकालनी, मतलब एक हिंट है आपके लिए कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइंस विच आर हैपनिंग इन द बाल्मर रीजन। तो बाल्मर की लाइंस कितनी होंगी? 5 - 2 मतलब 3, मतलब 10 में से सिर्फ आपकी आंख कितनी देख पाएगी? 3। बोलो बात समझ आई? ठीक, तो ये सारी चीज़ें बेटा आपको ध्यान में रखनी है, और इन सारी चीज़ों के बेसिस पे ही आप स्पेक्ट्रा के क्वेश्चन जो है फटाक से बना सकते हो। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि भाई फॉर्मूले में स्टिक रहो, 1/λ रेडबॉक कांस्टेंट और ये वाला फॉर्मूला, बट ये फॉर्मूला बहुत इरिटेटिंग है। जब इरिटेटिंग है, जब आप एंट्रेंस के लिए जो है सोच रहे हैं, क्यों? क्योंकि एंट्रेंस में कैलकुलेशन नहीं इस्तेमाल करना है, दिमाग और कॉन्सेप्ट्स। बोली बात क्लियर हुई? चलिए आज के स्पेक्ट्रा के कॉन्सेप्ट को हम यही खत्म करते हैं। अगली बार हम जो है बोहर मॉडल को कॉन्ट्रेडिक्ट करेंगे और हायर मॉडल की तरफ जो है प्रोसीड करेंगे। बात क्लियर हुई?